अब तो मेरे पिया की दया न समावे इंद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारे, श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चीत दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। ए अचरज मूल है छेव शास्त्र के लेख, वाद चतुर को करत है भिन्न भिन्न मत देख, भिन्न भिन्न मत देख, न्यायिक दर्शन की। अक्षराति धामधनी, हरिद्वार के उस प्रसंग का वर्णन कर रहे हैं जब छह दर्शनों के आचार्यों से श्री जी का शास्त्रार्थ होता है। छह दर्शनों के आचार्य अपनी अलग अलग विचारधारा बताते हैं, जबकि वास्तविकता यह नहीं है। कल मैंने बताया था कि जैसे रोटी बनाने में छह कारण होते हैं, निमित्त बनाने वाला होना चाहिए, आटे और पानी का उचित मेल होना चाहिए, समय लगना चाहिए, बनाने का कार्य किया जाए तो रोटी बनेगी, आटा नहीं हो पानी नहीं हो तो रोटी नहीं बनेगी। इन छह कारणों की अलग अलग छह दर्शनों में व्याख्या की गई है। इनमें कहीं कुछ भेद नहीं है, लेकिन वास्तविक आशय को न समझने के कारण छह दर्शन के विद्वान भी आपस में लड़ते रहते हैं। जैसे एक हाथी है और छह अंधे उसको बताने लगे कि हाथी कैसा होता है, आंखों से तो दिखाई नहीं दे रहा है, कोई पैर को छुएगा तो क्या कहेगा, हाथी थंबे जैसा होता है, कोई उसकी पीठ पर हाथ रखेगा तो क्या कहेगा, हाथी छत जैसा होता है, कोई उसके पेट के सामने की तरफ से छुएगा तो कहेगा कि नहीं हाथी दीवार जैसा होता है, कोई सूंड को छुएगा तो कहेगा कि नहीं हाथी तो बिल्कुल डंडे जैसा होता है, कोई पूंछ को छूकर बताएगा कि नहीं सब गलत हैं, हाथी तो केवल रस्सी जैसा होता है, सांप जैसा होता है। कह तो सारे सच रहे होते हैं लेकिन झूठ कह रहे होते हैं। छहों की बात को मिला दिया जाए तो हाथी का रूप बनता है। उसी तरह से छह दर्शनों में सृष्टि बनने के छह कारणों की व्याख्या है। छत्रसाल जी कहते हैं, श्री प्राणनाथ की दया बिन षड दर्शन जो षड अंधन की हाथी है। यदि तारतम ज्ञान का प्रकाश नहीं होता है तो छह दर्शनों को पढ़कर भी विवाद मन में बना रहता है, कोई ये नहीं जान पाता कि वास्तव में सत्य क्या है। अब पहला दर्शन है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन की रचना करने वाले कौन है, गौतम ऋषि। न्याय दर्शन के आचार्य खड़े हो जाते हैं कि श्री प्राणनाथ जी हम आपको अपने दर्शन की वास्तविकता बताते हैं और हमारे दर्शन में वास्तविक ज्ञान दिया हुआ है कि मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। भेदवाद विद आए, इनमें भेदवाद है। भेदवाद का तात्पर्य जीव ब्रह्म प्रकृति तीनों को ये एक दूसरे से भिन्न मानते हैं। न्याय दर्शन यह मानता है कि जीव ब्रह्म प्रकृति तीनों ही अनादि है और तीनों में भिन्नता है। जीव है जड़ नहीं है, प्रकृति क्या है चेतन नहीं है, प्रकृति जड़ है और अनादि है। जीव
चित घन है, चित है, यानी प्रकृति सत्य है, जीव सत्य और चित दोनों है, और परमात्मा क्या है? सत्य चित आनंद तीनों है। परमात्मा में सत्य चित आनंद का गुण है, जीव में आनंद का गुण नहीं है, और प्रकृति में चेतनता और आनंद दोनों का गुण नहीं है, केवल अनादि है, सत्य यानी अखंड है। ये न्याय दर्शन का मूल सिद्धांत है। माया जीव ईश्वर त्रयी, ये माया जीव और ईश्वर, ईश्वर यानी परमात्मा, ये तीन है। भिन्न अनादि सुहाए, तीनों एक दूसरे से भिन्न है और अनादि है। बीस एक प्रणाली का, बीस एक यानी इक्कीस, इक्कीस प्रणाली का, दुख की इक्कीस प्रणाली का। इक्कीस प्रणाली का अर्थ क्या होता है? सीढ़ी यानी स्तर। इक्कीस प्रकार के दुख हैं शरीर में। कैसे? हमारी पांच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं, आँख नाक जीवा कान और त्वचा, पांच इंद्रियाँ और छठवां मन, ये छह इंद्रिय हो जाते हैं। नव्य न्याय में है, प्राचीन न्याय में ये सिद्धांत नहीं है, नव्य दर्शन के विद्वान कह रहे हैं। सीढ़ी दुख की जौन, छह इंद्रियाँ हैं, छह इंद्रियों के विषय हैं। आँख का गुण है देखना, नासिका का गुण है सुगंध लेना, जीवा का गुण है रसना स्वाद लेना, त्वचा का गुण है स्पर्श लेना, कान का गुण है शब्द को सुनना। तो छह इंद्रियाँ, छह इंद्रियों के विषय और छह इंद्रियों के विषयों से होने वाला ज्ञान। जैसे आपको कोई सुंदर रूप पहले क्षण भर के लिए दिखा और उसके बाद दिखना बंद हो गया, आप व्याकुल होकर के तड़प रहे हैं। आपको बता दिया जाए कि इसमें कोई खूबसूरत वस्तु है, आप उसको देखने के लिए तरस रहे हैं, तो आप दुखी हो रहे हैं। आपको मधुर संगीत सुनने को मिल जाए या जीवा को कोई थोड़ा सा अच्छा स्वादिष्ट पदार्थ खिला दिया जाए और आपके सामने से थाली उठा लिया जाए, आपको कितना बुरा लगेगा, आप क्रोध में आपे से बाहर हो जाएंगे। यानी एक एक इंद्रिय के लिए आप व्याकुल हो जाते हैं। देखिए, भौरा किस पर मारा जाता है? सुगंध पर मारा जाता है। हाथी स्पर्श पर मारा जाता है। हाथी को पकड़ने के लिए शिकारी काले कागज की हथिनी बनाते हैं और गड्ढे के ऊपर पुआल घास वगैरह रख करके, घास रखकर उस हथनी के कागज की हथनी को रख देते हैं। हाथी उसका आलिंगन करने के लिए जैसे ही बढ़ता है गड्ढे में गिर जाता है, शिकारी के जाल में फंस जाता है। मछली जीवा के वशीभूत होने का होकर अपने जीवों जीव को गंवा देती है। भौरा सुगंध से व्याकुल होकर अपने जीवन को गंवा देता है। एक एक इंद्रिय के वशीभूत होने के कारण ये प्राणी अपने जीवन को गंवा देते हैं। इसलिए एक नीतिकार ने कहा है, पतंग मतंग कुरंग भृंग मीना हताह पंच भी एवे पंचा, एको प्रमादी कथम न हन्यते यह पंच भी एवे पंचा। पतंग पतंगा रूप पर मारा जाता है बेचारा, पतंगा हाथी भौरा ये जितने प्राणी हैं, मछली भृंग मीना, एक एक इंद्रिय के वशीभूत होने के कारण अपने जीवन को गंवा देते हैं। तो जो प्रमादी मनुष्य है पांच इंद्रियों के विषयों में पड़ा हुआ है वो कैसे सुखी रह सकता है? लेकिन मनुष्य को तो देखिए, पांचों इंद्रियों से आँख मूंद कर विषय वासना में डूबा रहता है, फिर भी नहीं सोचता है कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो पांच इंद्रियां और छठवां मन, छह इंद्रियां, छह इंद्रियों के विषय, छह इंद्रियों के विषयों का ज्ञान और सुख दुख तथा शरीर, ये इक्कीस हुए। हर प्राणी इन इक्कीस दुखों में फंसा हुआ है, इसी को सुख समझता है, लेकिन ये दुख का कारण है। ये न्याय दर्शन के आचार्य बता रहे हैं कि हर प्राणी 21 प्रकार के दुखों में फंसा रहता है। नाश होए तब सुख को, और जब इन दुखों का नाश हो जाता है, प्राप्त होए तौन, तो परमात्मा की परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। यानी 21 प्रकार के दुखों से यदि हम रहित हो जाएं, इंद्रियों के विषयों से रहित हो जाएं, तो हम शाश्वत आनंद को प्राप्त हो सकते हैं। बुद्ध ने भी तो यही कहा था कि दुखों का कारण क्या है? तृष्णा। तृष्णा मनुष्य के सभी दुखों का कारण है, लेकिन तृष्णा कहाँ से पैदा होती है? अज्ञान से। अज्ञान कहाँ से पैदा होता है? मोह से। मोह कहाँ से पैदा होता है? वही तो मोह अज्ञान, यही तो सब कुछ सृष्टि का प्रारंभिक कारण ही है। यदि हम विषयों की तरह भागते हैं, सांख्य दर्शन आगे यही बताएगा, प्रकृति में हम सुख खोजते हैं तो दुखी अवश्य रहेंगे, यदि परमात्मा में हम आनंद खोजेंगे तो शाश्वत आनंद को प्राप्त होंगे।
न्याय दर्शन के आचार्य यही बात कह रहे हैं। प्रसन्न कियो श्रीजू तबे, तब श्री जी प्रश्न क्या करते हैं, तुम में नहीं विचार। हे आचार्य जनों, आप विचार पूर्वक ये बात नहीं कह पा रहे हैं। ईश्वर जीव विनाश है, आप ये तो बताते हैं कि 21 दुख की सीढ़ियां हैं, दुख के स्तर हैं। ये बताइए, जब प्रलय हो जाएगा तो आप परमात्मा को कहाँ बताएंगे, क्योंकि आप परमात्मा को भी इस जगत के अंदर ही बता रहे हैं। तुम्हारे वचन मंझार, आपके वचनों से तो ईश्वर ही लय को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि आप इस जगत से परे की कोई भी बात नहीं कह रहे हैं। 21 सीढ़ियां कहीं, आपने जो 21 सीढ़ियों का वर्णन किया है, दुख की भारी जौन, ये दुख से भरी हुई है। आप बता रहे हैं कि दुख की 21 सीढ़ियां हैं, 21 स्तर हैं, उनसे जो परे हो जाएगा। तीन मध्य माया जीव सब, आप कह रहे हैं कि शरीर में जीव भी है, ये शरीर है, ब्रह्मांड है, जीव इसमें रहता है, तो आप बताइए परमात्मा कहाँ रहता है। जब शरीर छूटेगा, शरीर तो लय को प्राप्त हो जाएगा, जीव कहाँ जाएगा, और जब प्रलय हो जाएगा तो ये संसार भी नहीं रहेगा, 14 लोक नहीं रहेंगे, निराकार मंडल नहीं रहेगा, त्रिगुणात्मक ये सारी सृष्टि नहीं रहेगी, तो प्रलय में जीव का स्थान कहाँ रहेगा, परमात्मा का स्थान कहाँ रहेगा, ये कौन बताए। अब जैसे देखिए, जो जिस इष्ट की भक्ति करता है उसको यह सोचना चाहिए कि परमात्मा किसको कहते हैं, जो सत्य है, चेतन है और आनंद का स्वरूप है। सत्य उसको कहते हैं जो अनादिकाल से हो, अनंत काल तक रहे, कभी जन्म न ले, कभी मरे नहीं, जो जड़ न हो, और आनंद जो कभी दुखी न हो। परमात्मा कभी दुखी नहीं होता। यदि आप जिस देवता की देवी की भक्ति करते हैं तो यह भी सोचिए कि इनका कभी जन्म नहीं होना चाहिए, तब तो ये परमात्मा है। आपने देखा होगा, चाहे ब्रह्मा जी को लीजिए, विष्णु भगवान को लीजिए, शंकर जी को लीजिए, ये लोग भी ध्यान करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं। शिष्ट के प्रारंभ से ही भगवान शिव कैलाश की गुफा में बैठ कर ध्यान करते हैं, विष्णु भगवान क्षीर सागर में बैठ कर ध्यान करते हैं, ब्रह्मा जी भी वेद का पठन पाठन करते हैं। इसका तात्पर्य क्या है, ये महान पुरुष हैं, योगी जन हैं, परमात्मा तो कोई और है जिसका सभी ऋषि मुनि योगी यति ध्यान करते रहते हैं। इसलिए जो परमात्मा है वो जन्म और मरण से सर्वथा परे है। कहो सुख की सो कौन, आप ये बताइए कि इन 21 सीढ़ियों से परे जो सुख की सीढ़ियां हैं, सुख का स्वरूप है, वो बताइए कौन है। सूक्ष्म स्वरूप नित तुम कहो, आप कहते हो कि परमात्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है और उसको तुम नित्य बताते हो, और कहते हैं कि महाप्रलय में इस जगत लय को प्राप्त हो जाएगा। स्थूल कहत हो नाश, इस स्थूल जगत का आप लय बताते हैं, तो जगत की ही तीन स्थिति है, स्थूल सूक्ष्म कारण, ये पृथ्वी, ये सूर्य चंद्रमा, ये जितने दिखाई दे रहे हैं ये स्थूल पदार्थ है, इनका लय हो जाएगा। फिर ये कारण में सूक्ष्म में वायु तत्व में विलीन हो जाएंगे, वायु तत्व आकाश में विलीन हो जाएगा, आकाश तत्व अहंकार में, अहंकार महत्त्व में, महत्त्व मोह तत्व में, कुछ नहीं बचेगा, परमाणु भी नहीं बचेंगे, कुछ बचता ही नहीं है। 21 सीढ़ियों से, तो ये बताइए इन 21 सीढ़ियों से परे कहाँ नित्य को वास, तो जो नित्य परमात्मा है वो कहाँ रहता है। श्री जी एक प्रश्न बस करेंगे, जब महाप्रलय होगा, सृष्टि का नियम है जो वस्तु पैदा हुई है वो नष्ट अवश्य होगी। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, दूसरे की श्मशान घाट में अर्थी देकर क्या कभी सोचते हैं कि हमारा भी एक दिन यही हाल होने वाला है। जिस दिन सोच लेंगे कि हमें भी मरना है, उस दिन कोई भी पाप नहीं करेगा। हम पाप क्यों करते हैं, दूसरे का धन क्यों लूटते हैं, हम सोचते हैं कि हम तो कभी मरेंगे नहीं, कभी बूढ़े नहीं होंगे, इसलिए मनुष्य निश्चिंत हो जाता है, अंधाधुंध पाप करता है। विवेकवान को क्या सोचना चाहिए कि जैसे शेर का मुख खुला हो और उसमें बकरी का मुख पड़ा हो, वैसे ही मृत्यु की छाया हमेशा हमारे सिर पर मंडराती रहती है। जिसने मृत्यु को याद किया वो पाप करने में डरेगा कि नहीं, कितने दिन की जिंदगी है, 100 साल जी लेंगे, 150 जी लेंगे, 200 साल जीत लेंगे, अधिक से अधिक 400 वर्ष जी लेंगे। फिर बताइए, रावण तो सोचता था कि मैं मरूंगा ही नहीं, काल उसको भी उठा ले गया।
ये एक दिन धरती नहीं रहेगी, सूरज नहीं रहेगा, आकाश नहीं रहेगा, कुछ नहीं बचेगा। इतना होने पर भी मनुष्य पाप करने से नहीं डरता, वो शराब पिएगा, मांस खाएगा, दूसरे प्राणियों का गला काट कर मांस खाता है। पूछिए किस लिए खाते हो भाई, कहेगा कि इससे फैट बढ़ता है, ताकत आती है। दूसरे प्राणियों का मांस अपने पेट में भरकर अपने पेट को कब्रिस्तान बनाने वाला मानव नहीं सोचता कि रे मानव जो तू ये पाप कर्म कर रहा है, शरीर को मोटा भी कर लेगा तो क्या होगा, एक दिन मौत तो तुझे भी उठा ले जाएगी। सिंह जो है जंगल में जीवन भर प्राणियों को मार मार कर खाता है, लेकिन जब बूढ़ा हो जाता है उसे चला नहीं जाता, भूख से तड़पने लगता है, अपनी ही जीभ से अपना मांस चाटता है, अपने शरीर में दो तीन बार चाटेगा फिर खून निकलेगा, फिर अपने ही खून को पीता है, क्या करे। दौड़कर पशुओं को तो पकड़ नहीं सकता, बूढ़ा हो गया होता है बेचारा, अपने ही खून को पी पी कर अपना ही मांस खा खा करके अपना तड़प तड़प कर शरीर छोड़ता है। यह उस शेर की कहानी है, जब जवानी में गरजता है तो सारा जंगल कांप उठता है, वैसे ही मनुष्य का हाल है। जब मनुष्य के पास यौवन की अवस्था आती है तो अपने मिट्टी के पुतले पर इतराता है। ये पुतला क्या है, हड्डी और मांस का एक लोथड़ा ही तो है, चमड़े के ढक्कन पर, हड्डियों के ढांचे पर चमड़े का ढक्कन चढ़ा दिया गया है। धूप में नहीं रहता है तो थोड़ा सुंदर गोरा दिखने लगता है, धूप में आता है काला हो जाता है। मनुष्य इसी के ऊपर तो पागल हो रहा है, ये तो नहीं पता कि शरीर में मलमूत्र की नदी बहती है। हाँ, इस शरीर में चेतन जीव होता है, यदि जीव को हम समझ लें, अपनी आत्मा के स्वरूप को समझ लें कि हमारी आत्मा उस सच्चिदानंद परमात्मा से प्रेम करने वाली है, परमात्मा का सौंदर्य अनंत है, आत्मा का सौंदर्य अनंत है, हम अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ लें तो हमारे जीवन की दिशा बदल जाती है। नहीं तो आप देखिए, पुरुष हो या स्त्री, सभी ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, किसको सजाने के लिए, शरीर को सजाने के लिए, आत्मा को कोई सजाना नहीं चाहता। आत्मा का श्रृंगार कैसे होगा, ज्ञान से होगा, भक्ति से होगा, विवेक से होगा, वैराग्य से होगा, सील से होगा, संतोष से होगा, इससे आत्मा का श्रृंगार होता है। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते तो आपके जीवन का लक्ष्य अधूरा हो जाएगा। तब मीमांसा दर्शनी, जब श्री जी ने ये कहा कि भाई आप ये तो बताइए, जब स्थूल सूक्ष्म कारण जगत ही नहीं रहेगा तो आप परमात्मा का स्वरूप कहाँ मानेंगे, न्याय दर्शन वाले चुप हो जाते हैं। अब इसके पश्चात मीमांसा दर्शन के आचार्य खड़े हो जाते हैं कि श्री जी हम आपको बताएंगे कि वास्तविक सत्य क्या है। मीमांसा दर्शन के रचनाकार हैं जैमिनी, महर्षि जैमिनी, जो वेदव्यास के शिष्य थे, इसको पूर्व मीमांसा कहते हैं। कुछ लोग न्याय को, कुछ लोग मीमांसा को, सांख्य को और वैशेषिक को नास्तिक दर्शन कहते हैं, जबकि यह बात सच नहीं है। छह दर्शनों के रचनाकार छह ऋषि रहे हैं, और जो वेद को मानता है वो कभी नास्तिक नहीं होता। मीमांसा दर्शन के रचनाकार महर्षि जैमिनी किसी भी अवस्था में नास्तिक नहीं थे। वस्तुतः इसमें कर्म की व्याख्या की गई है, जब कर्म की व्याख्या की जाएगी तो कर्म करने वाले की व्याख्या नहीं की जाएगी, इसलिए इसमें परमात्मा का विशेष वर्णन नहीं है। वर्णन क्या किया गया है कि वैदिक कर्म क्या कहते हैं, किस तरह से वैदिक कर्म हमें करना चाहिए। धर्म किसको कहते हैं, मनुस्मृत में मनु जी कहते हैं कि जो कुछ वेद में कहा गया है वही सत्य है और वही धर्म है। मीमांसा दर्शन का प्रारंभ होता है अथा तो धर्म जिज्ञासा, धर्म की जिज्ञासा से। इसलिए मीमांसा दर्शन में कहीं भी पर यह नहीं कहा गया कि परमात्मा नहीं है, परमात्मा की आराधना से ही तो मुक्ति प्राप्त होती है, सुख प्राप्त होता है, और वेदों में परमात्मा की ही आराधना है, वैदिक यज्ञों में परमात्मा की आराधना है, इसलिए मीमांसा दर्शन नास्तिक दर्शन नहीं हो सकता। बोले कर्म प्रधान, मीमांसा दर्शन के आचार्य क्या कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है, कारणकर्ता कर्म है, कारणकर्ता कर्म है, कर्म से ही कारण है और कर्म से ही कार्य है। कर्म न हो तो कारण से कार्य में रूपांतरण नहीं हो सकता, इसलिए हम कर्म को सर्वोपरि मानते हैं। कर्म इष्ट प्रमाण, और इसलिए
कर्म को हम इष्ट मानते हैं क्योंकि कर्म के बिना तो कोई भी नहीं है। जीव ईश्वर ब्रह्म है। जीव ईश्वर और ब्रह्म तीन स्वरूप हैं। जीव जो हमारे शरीर में चैतन्य है उसको कहते हैं जीव। ईश्वर किसको कहते हैं? आदि नारायण को, जो इस प्रकृति मंडल को संचालित करता है। अक्षर का स्वप्निक मन जो आदि नारायण कहलाता है। प्रणव ब्रह्म कहते हैं, महाविष्णु कहते हैं उसी को, या सबल ब्रह्म कहते हैं वेदांत की भाषा में, उसी को ईश्वर कहते हैं। और ब्रह्म जो निर्गुण है, जो प्रकृति के शब्द स्पर्श रूप रसगंध सभी से परे, इस मायावी जगत में जिसका स्वरूप नहीं उसकी सत्ता है, उसी का स्वप्निक रूप। निर्गुण ब्रह्म का ही स्वप्निक रूप क्या है? सबल ब्रह्म यानी ईश्वर। सब कर्मन को रूप, सभी कर्म के स्वरूप है। कहने का इनका आशय यह है कि क्रिया से रहित कोई भी नहीं है। यह बात सही है, क्रिया और लीला में अंतर होता है, आगे बताएंगे। कर्म बिना कुछ और नहीं, बिना कर्म के तो कुछ भी नहीं हो सकता। सब लोग, कोई बैठ जाता है और कोई कह देता है कि हम कुछ भी काम नहीं करेंगे। आप शरीर से काम नहीं करेंगे लेकिन आपके मन में तो विचार चल रहे हैं, तो मन से सोचते हैं वो भी तो विचार करना भी एक क्रिया हो गई। कर्म से रहित कुछ हो ही नहीं सकता, और जो कर्म से रहित हो जाएगा वो तो ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। जैसे जनक ने कहा कि घोड़े पर चढ़ने में जितना समय लगता है मुझे उतने ही समय के अंदर ब्रह्म ज्ञान चाहिए। उनके गुरु ने कहा, अष्टावक्र ने कहा कि तुम्हें ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा लेकिन मन मुझे दे दो, और कह करके चले जाते हैं। अब राजा जनक सोचते हैं सिंहासन पर बैठे बैठे कि मन तो मैंने गुरुदेव को दे दिया, इस मन से मैं कुछ भी सोचता हूँ तो ये तो पाप होगा क्योंकि मन दे चुका हूँ, मन पर मेरा कोई अधिकार नहीं। परिणाम क्या होता है? मन से सोचना विचारना बंद कर देते हैं और वहीं बैठे बैठे 72 घंटे की समाधि लग जाती है। इसके पश्चात अष्टावक्र आते हैं, कहते हैं कि उठो जनक। कहते हैं कि गुरुदेव मैं कैसे उठूँ, मैंने तो मन आपको दे दिया है। जनक कहते हैं, अष्टावक्र कहते हैं कि मेरे आदेश से उठो। जनक उठते हैं और पूछते हैं अष्टावक्र, क्या जनक तुम्हें ब्रह्म ज्ञान चाहिए? कहते हैं कि नहीं गुरुदेव, मुझे ब्रह्म ज्ञान मिल गया। आशय क्या है? हम शरीर से काम न करें लेकिन मन से जो कुछ सोचते हैं कर्म कहलाता है, और हम इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से सबसे परे हो जाएं तो अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, हमें वास्तविक बोध की प्राप्ति हो जाएगी। सदा अनादि अनूप, और सभी कर्म के रूप है, कर्म का रूप अनादि होता है। श्री जी बोले प्रश्न तब, अब श्री जी क्या पूछते हैं? कर्म विषय है भ्रांत, कि ये बताइए कर्म में तो भ्रांति होती है। ब्रह्म अखंड स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप क्या कहलाता है? अखंड। सदा एक रस जात, परमात्मा एक रस है, अखंड है, उसमें कभी विकृति नहीं आती। कर्म तहां उपजे खपे, जबकि कर्म क्या है? कर्म की उत्पत्ति होती है। जैसे आज आपने कुछ काम किया, कल तो नहीं किया था। आज आपने भोजन बनाया वो पच गया, कल फिर भोजन बनाना पड़ेगा। तो जो आप, यदि आप नहीं बनाए हैं तो ये कहा जाए कि आपने भोजन नहीं बनाया, बनाया फिर उसका फल भी समाप्त हो गया। कर्म की उत्पत्ति होती है, कर्म का लय होता है। परमात्मा न उत्पन्न होता है न लय को प्राप्त होता है। स्थिरता उनमें नाही, और कर्म में स्थिरता नहीं है। कर्म का रूप अखंड नहीं है, एकरस नहीं है। अहंकार मन का अमल, कर्म कब होता है? मैं से, अहंकार से कर्म की उत्पत्ति होती है। मैं पानी पीऊँ, यदि आपके अंदर मैं अहंकार नहीं होगा तो आप पानी भी नहीं पी सकते। मन में आएगा, पहले अहंकार में आएगा कि पानी पीना है, मैं हूँ। जब आप हैं तभी अहंकार आएगा, तभी मन कार्य करेगा। और अहंकार मन और इंद्रियों के संयोग से कर्म की उत्पत्ति होती है। जैसे मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीना चाहता हूँ। यदि मैं कहूँ कि मुझे प्यास लगी है तो मैं हूँ, तब तो स्वयं के अस्तित्व का भान हुआ। मैं ध्यान में बैठ जाऊँ, समाधि में हूँ, कल्पना कीजिए, तो मुझे अपने का पता नहीं कि मैं हूँ, तो आपसे पानी नहीं मांग सकता। लेकिन जब मैं हूँ तो मुझे प्यास लगेगी और मन चाहेगा कि पानी चाहिए,
आप पानी रख देंगे तो मेरा हाथ उसको उठाएगा, कौन पिएगा? जीवा के माध्यम से अनुभव, अनुभव किसको होगा? अंतःकरण को। यही प्रक्रिया है, यानी मन और अहंकार तथा इंद्रियों के संयोग से कर्म की उत्पत्ति होती है। परमात्मा क्या है? मन वाणी से परे है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा, बुद्धि न विशिष्ट आऊं तो परमा गति। जहाँ से वाणी लौट आती है, जो मन से प्राप्त नहीं होता, परमात्मा तो वह है। मन वाणी से जो कुछ कहा सुना जाता है सब कुछ माया के अंतर्गत है। रामचरितमानस में लिखा है, गो गोचर जहलक जाई सो सब माया जानो भाई। इंद्रियों की, मन की जहाँ तक पहुँच है वहाँ तक माया है। इसलिए कर्म की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मन से, अहंकार से और इंद्रियों से। कर्म लगत है ताही, कर्म की उत्पत्ति वहाँ होती है जहाँ मन और अहंकार है। अहंकार मन जीव में, ये जीव के अंदर अहंकार भी है और मन भी है, इसलिए जीव कर्म के बंधन में रहता है। तिहिते कर्मी सोए, इसलिए वो कर्म करता है। परमात्मा कर्म नहीं करता, परमात्मा लीला करता है। देखिए, क्रियाशीलता सब में है, चेतन में क्रियाशीलता अवश्य होगी, चेतन कभी निष्क्रिय नहीं होगा। लेकिन क्रिया करना और लीला करना दोनों में अंतर होता है। लीला कौन करता है? त्रिगुणातीत स्वरूप है, लीला करता है। परमात्मा लीला करता है, जीव क्रिया करता है, दोनों में अंतर है। सत रज तम के संसार में इंद्रियों का जीव से, मन का अहंकार से संबंध जुड़ता है। मन इंद्रियों और अहंकार के योग से जीव कार्य करता है। परमात्मा पंचभौतिक शरीर से रहित है, मन से रहित है, इंद्रियों से रहित है, इसलिए वह लीला करता है। संकल्प किया, सृष्टि बने, असंख्यों सूर्य चंद्रमा नक्षत्र दिखने लगते हैं। वो आपकी तरह फावड़े नहीं चलाता, आपकी तरह चूल्हा नहीं चलाता, आपकी तरह दुकान पर बैठकर बिक्री नहीं करता, वो लीला करता है। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार उसकी लीला है। ब्रह्मानंद में अपनी आत्माओं को डुबोना उसकी लीला है। जबकि मनुष्य का कार्य होता है, मनुष्य कर्म करता है। आप देखेंगे जितने प्राणी हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी भोजन करते हैं, सोते हैं, टहलते फिरते हैं, हंसते बोलते हैं, ये क्रिया है। जीव के साथ भी तीन चीजें हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म का अर्थ क्या होता है? सामान्य कर्म, जैसे एक साधारण व्यक्ति करता है। विकर्म, विकर्म का अर्थ क्या होता है? विशेष कर्म। जब मनुष्य ये लौकिक कार्यों से अलग हटकर परमात्मा का ध्यान भक्ति करने लगता है तो उसको विशिष्ट कर्म कहते हैं, विशेष कर्म। और तीसरा होता है अकर्म, यानी कर्म करते हुए भी नहीं करता है। जैसे एक परमहंस अवस्था को जो प्राप्त हो जाता है, कभी किसी पर झल्ला करके बोल देगा, फिर उससे पूछा जाएगा क्या आपने गुस्सा किया इन पर, कहेगा कि नहीं मैंने कब किया, तो देखने में झूठ बोल रहा है लेकिन वो सच बोल रहा है, क्योंकि वो अनासक्त भाव से बोल रहा है, किसी विकार की ग्रंथि से रहित होकर के बोल रहा है। जैसे एक संसारी व्यक्ति दूर से भी किसी रमणी को देखकर बुरे विचार सोच सकता है, लेकिन जो ब्राह्मी अवस्था में पड़ा हुआ होगा, ये विश्व की सबसे सुंदरी स्त्री के पास भी खड़ा होगा, उसको स्पर्श भी करेगा तो शरीर की भावना से रहित हो चुका है। आपने शेरपुर वाले महाराज जी की बीतक में पढ़ा होगा कि एक अंग्रेज जो है 300 वर्ष के एक महात्मा के पास गए थे और उन्होंने दर्शन के लिए अपनी टोपी उतारी तो उस महात्मा जी ने उसमें लोक शंका कर दी। अंग्रेज को बहुत गुस्सा आया, लेकिन जब देखा कि इसमें तो फूल भरे पड़े हैं तो बहुत आनंदित हुआ। लीला रूप में सामान्य कर्म क्या है कि महात्मा जी ने गलत कार्य किया, लेकिन उसमें लोक शंका के गंदे द्रव्य की अपेक्षा फूल दिखाई देने लगे, यानी वो कर्म करते हुए भी उन्होंने नहीं किया। इसको कहते हैं अकर्म करना। लेकिन परमात्मा इन सब से रहित है। श्री जी कहते हैं कि परमात्मा को कर्म का रूप नहीं माना जा सकता। क्रिया जो है प्रकृति में होती है, माया में होती है, परमात्मा में क्रिया नहीं होती है, परमात्मा में लीला होती है। मन पहुंचे नहीं ब्रह्म को, जहां मन है वहां ब्रह्म नहीं है, इसलिए मन की पहुंच ब्रह्म तक नहीं है।
कर्म तहां क्यों हो, इसलिए कर्म वहां नहीं होता। कर्म की व्याख्या जीव सृष्टि को समझाई जा रही है, मीमांसा दर्शन में कर्म की व्याख्या की जा रही है, उसका वास्तविक आशय न समझने के कारण मीमांसा दर्शन वाले एक ही चीज को लेकर के बैठे हुए हैं। जैसे छह अंधों के बारे में मैंने बताया कि एक अंधा हाथी के पैर को पकड़ कर रहा है कि सब झूठे हो, हाथी केवल थंबे जैसा होता है। एक कह रहा है कि नहीं सर्प जैसा होता है, एक कह रहा है कि छत जैसा होता है, एक कह रहा है दीवाल जैसा होता है। सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं, छहों को मिला नहीं पाते। तारतम ज्ञान के प्रकाश में इन छह दर्शनों का एकीकरण होता है कि छह दर्शन एक एक सत्य की व्याख्या करते हैं। माया ते पुनि रहित है, और परमात्मा क्या है, माया से सर्वथा रहित है। ब्रह्म स्वरूप समान, ब्रह्म का स्वरूप ऐसा होता है जो माया से सर्वथा परे है, और तुम कर्म की व्याख्या माया के अंदर कर रहे हो। वेद शास्त्र में यूं कहो, वेद शास्त्र में तो ऐसा कहा जाता है लेकिन तुम सत्य से भटक गए हो। तुम में ताना तान, और आप तो केवल खींचा तान में लगे हो, परमात्मा को भी कर्म के अधीन मान रहे हो। परमात्मा तो कर्म से परे, विद्यते हृदय ग्रंथि छिदंते सर्व संशया छियंते च अस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परहरि। उस परमात्मा का दर्शन होने पर तो छियंते च अस्य कर्माणि, कर्मों के बंधन समाप्त हो जाते हैं, सारे कर्म संचित प्रारब्ध क्रियामाण सब समाप्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में परमात्मा को कर्म से युक्त कहना गलत है, परमात्मा कर्म से रहित है। हाँ, परमात्मा लीला करता है। जब हम कर्म और लीला का भेद जान जाएंगे तो परमात्मा को कर्म के बंधन में नहीं मानेंगे। सांख्य शास्त्र के दर्शनी, श्री जी के इन प्रश्नों का मीमांसा दर्शन के आचार्यों के पास कोई उत्तर नहीं था। अब वे शांत होकर के बैठ जाते हैं। बोले तभी विचार, अब सांख्य शास्त्र के अनुयायी खड़े हो जाते हैं। सांख्य दर्शन को भी कुछ विद्वान कहते हैं कि नास्तिक थे। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि सिद्धा नाम कपिलो अस्मि, मैं सिद्धों में कपिल हूँ। जो सिद्ध पुरुष होगा वो नास्तिक क्यों होगा। सांख्य दर्शन में 30 बार श्रुति शब्द का प्रयोग किया गया है। सांख्य दर्शन में कहा गया है कि परमात्मा कैसा है, स ही सर्ववित सर्वकर्ता। एक सूत्र को याद कर लें कि परमात्मा क्या है, सब कुछ जानने वाला है और सब कुछ करने वाला है। जो सांख्य शास्त्र के रचनाकार महर्षि कपिल ऐसा कहते हैं कि परमात्मा सब कुछ करने वाला है और सर्वज्ञ है, ऐसे कपिल को नास्तिक कहना बहुत बड़ी भूल है। प्रकृत पुरुष सब के परे, हाँ प्रकृति और पुरुष से परे, सबको कारण सार, सबके कारण रूप में है। प्रकृत पुरुष जब मिलते हैं, पुरुष और प्रकृति, प्रकृति किसको कहते हैं, ये सारा जो जगत बना है किससे बना है, प्रकृति से। बनाने वाला कौन है, पुरुष। यही बात एक बार जब इस्लाम का आगमन हुआ शाम देश में, कुछ इस्लाम के प्रचारक गए, अपनी बात कही कि अल्लाह ताला इस सृष्टि को बनाता है। वहाँ के विद्वानों ने पूछ दिया कि बिना प्रकृति के, बिना कुदरत के कादर ने खलक को कैसे पैदा किया, सृष्टि कैसे बना दी। इमाम ने, हजरत अली ने कहा कि इस्लाम में इसका उत्तर तलवार से दिया जाता है। जब कुछ विद्वानों को दुनिया से विदा कर दिया, पूरा देश साम देश इस्लाम के झंडे के नीचे आ गया। लेकिन एक बात बताइए, मिट्टी से घड़ा बनता है, तो घड़ा इंसान तो नहीं है, बनाने वाला तो कोई और है। ये सूरज चंद्रमा सितारे जो कुछ दिखाई दे रहे हैं किसी पदार्थ से बने हैं, जड़ प्रकृति से बने हैं। परमात्मा तो चेतन है, जो चेतन परमात्मा है वो सूरज चांद नहीं है। सूरज चांद तो जड़ प्रकृति से बने हैं, लय को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए कुदरत यानी प्रकृति से, जिसको माया कहते हैं, परमात्मा ने सृष्टि की रचना की है। जगत प्रकट तब होए, सांख्य दर्शन के आचार्य कहते हैं कि पुरुष और प्रकृति का जब मिलन होता है तो ये जगत की उत्पत्ति होती है। भिन्न भय मिट जाते हैं, और जब अलग होते हैं तो ये लय को प्राप्त हो जाता है। हमरो मते सोए, हमारा यह मत है। अब सुनिए, श्री जी यही प्रश्न करेंगे,
कि आप कहते हैं कि पुरुष और प्रकृति मिलते हैं तो सृष्टि बन जाती है और अलग हो जाते हैं तो सृष्टि का लय हो जाता है। अब आगे श्री जी प्रश्न करते हैं जिसका उत्तर वो दे नहीं पाएंगे। प्रकृति पुरुष ते कहत हो, आप कहते हैं कि पुरुष और प्रकृति से सृष्टि बनती है, जगत भयो सब एह, यह सारा जगत बनता है, तो ये बताइए प्रकृति का रूप कहाँ है, क्या है, और पुरुष का रूप कहाँ है, क्या है, और दोनों कहाँ मिलते हैं, और जब प्रकृति लय को प्राप्त हो जाती है तो उसका रूप क्या होता है, पुरुष साकार है या निराकार, प्रकृति साकार है या निराकार, निराकार का निराकार में मिलन होता है या साकार और निराकार का मिलन होता है, या साकार साकार में मिलते हैं, इस भेद को समझाइए तो क्या बताएंगे। पुरुष क्या है, अक्षर का स्वाप्निक मन। प्रकृति क्या है, कारण प्रकृति। प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इंद आलम, ये ठोर माया ब्रह्म सबलिक त्रिगुण की पर आत्म। मोह सागर कहाँ से उत्पन्न होता है, सारी सृष्टि अक्षर ब्रह्म के स्वाप्निक मन आदि नारायण को कहिए, सबल ब्रह्म कहिए, ईश्वर कहिए, महाविष्णु कहिए, प्रण ओंकार कहिए, उनके संकल्प एकोम बहुश्याम से होती है। अक्षर का स्वाप्निक मन जो है मोह सागर में जब आता है तो नारायण का रूप ले लेता है, इसको कहते हैं प्रकृति में पुरुष का प्रवेश। असल पुरुष कहाँ है, आप देखिए जैसा चंद्रमा है वैसी उसकी शीतलता है, जैसा सूर्य है वैसी उसकी दाहकता है, जैसा फूल है वैसी उसकी सुगंध है, जैसा सागर है वैसी उसकी लहर है, उसी तरह से जो अखंड ब्रह्म है उसकी प्रकृति भी अखंड होगी, चेतन ब्रह्म की प्रकृति भी चेतन होगी। शास्त्रों में इस तथ्य को खोला नहीं गया है, जो अखंड अविनाशी चैतन्य ब्रह्म है उसके अंदर यह संकल्प होता है सृष्टि का प्रकटीकरण हो। वाणी में कहा है प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इंद आलम, ये ठोर माया ब्रह्म सबलिक त्रिगुण की परातम, जिसको सबल ब्रह्म सबलिक कहते हैं, सबलिक अक्षर का चित्त, अक्षर ब्रह्म के चार पाद हैं, अव्याकृत सबलिक केवल और शुद्ध स्वरूप। अव्याकृत है मन का स्वरूप, सबलिक है चित्त का स्वरूप, केवल है आनंद का स्वरूप, और सत्स्वरूप है अहं का स्वरूप। इसके परे क्या है, परम धाम है जिसको वेद ने कहा त्रिपाद ऊर्ध उदयति पुरुषः। बिना तारतम्य ज्ञान के वेद मंत्रों के कथनों में आए हुए इन तथ्यों को समझा नहीं जा सकता। अब सबलिक के सूक्ष्म में चिदानंद लहरी है जिसका व्यक्त स्वरूप है सुमंगला पुरुष, उसमें अक्षर का मन कार्य करता है, अव्याकृत के महाकारण स्वरूप को सुमंगला पुरुष कहते हैं, उसका व्यक्त स्वरूप क्या है प्रणव, और उसी की हलादिनी शक्ति है रोदिनी। यानी सुमंगला पुरुष के अंदर जब शिष्ट रचना का भाव आता है तो उनके स्थूल शरीर में स्थूल स्वरूप में जो रोदिनी शक्ति है वो मोह सागर को पैदा करती है। अब इसको कैसे समझिए, मैं एक दृष्टांत से आपको समझाता हूँ, हो सकता है ये बात समझ में आ जाएगी। दर्शन शास्त्र का विषय यह कहता है कि आपने घड़ा बनाया है तो देखने में कार्य रूप में घड़ा दिख रहा है, जब घड़े को पीस पीस करके चूरा बना देंगे तो फिर वो मिट्टी बन जाएगा, यदि मिट्टी नहीं होगी तो घड़ा नहीं बन सकता, ये सामान्य सिद्धांत है। तो प्रकृति है, बिना कारण प्रकृति के सृष्टि रचना नहीं हो सकती, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन प्रकृति बनती कहाँ, यहाँ से एक अद्वैत ब्रह्म के समकक्ष एक दूसरी समानांतर सत्ता कहाँ से आ गई। लेकिन इस मायावी जगत में जब आप देखेंगे तो चेतन ब्रह्म के समकक्ष माया का अस्तित्व है, प्रकृति का अस्तित्व है। कैसे, आप खुश हैं, उछल कूद रहे हैं, आपके चेहरे पर लालिमा दिखाई दे रही है, आपको कोई अचानक दुखद घटना सुना दिया जाए कि आपको कल जेल में जाना है या आपका घर बर्बाद हो गया तो आपका चेहरा पीला पड़ जाता है। दुख कहाँ से आया, सुख कहाँ से आया, आपके हृदय से, आपके चेहरे का रंग बदल गया,
आपके चेहरे के भाव बदल गए। उसी तरह से अक्षर ब्रह्म की जो शक्ति है उसको कहते हैं चेतन प्रकृति, योग माया। जहाँ अखंड ब्रह्म अपनी अखंड माया के साथ क्रीड़ा कर रही है, कर रहा है, उसको कहते हैं अखंड योग माया। ब्रह्म अखंड है तो उसकी माया भी अखंड होगी, ब्रह्म चेतन है तो उसकी माया भी चेतन होगी। जैसे मरे हुए व्यक्ति के चेहरे पर न उदासी होती है न प्रसन्नता, उदासी और प्रसन्नता चेतन प्राणी के अंदर होती है, उसी तरह से चेतन ब्रह्म की जो शक्ति है वो योग माया कहलाती है। जब ब्रह्म के अंदर शिष्ट रचना का संकल्प होता है तो उसकी हिलादनी शक्ति योग माया के अंदर शिष्ट को पैदा करने वाले प्रकृति की उत्पत्ति होती है और उसको कहते हैं अनादि। ये माया आदि अनादि की चली जात अंधेर, निर्गुण सरगुण हो के सब फिरे आएगी। फिर अनादि ब्रह्म की यह माया शिष्ट के प्रारंभ से चली आ रही है। शिष्ट बनी है फिर लय को प्राप्त हो जाएगी, फिर बनेगी फिर लय को प्राप्त होगी। ब्रह्म अनादि है तो उसकी लीला भी अनादि होगी, ये प्रकृति भी अनादि है, चेतन प्रकृति अनादि है, लेकिन ये जो मूल मोह पैदा होता है कारण प्रकृति, इस संसार के प्राणियों के लिए अनादि है, लेकिन यह उत्पन्न की जाती है अखंड माया के द्वारा, जिसको वेद ने कहा है माया हर जगह माया, यानी माया से माया पैदा होती है, अनादि माया से यह माया पैदा होती है। जो अनादि चेतन माया योग माया है उससे जड़ प्रकृति वाली कारण प्रकृति की माया पैदा होती है। ये भेद बिना तारतम्य ज्ञान के कौन समझा सकता था। सांख्य दर्शन सारा पढ़ जाइए लेकिन यह उत्तर नहीं मिलेगा कि जब महाप्रलय होगा तो कारण प्रकृति का क्या होगा। कारण प्रकृति तक जाकर सभी ऋषि मुनि भी शांत हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद का रहस्य तो केवल तारतम्य ज्ञान से जाना जा सकता है। वेदों में ये तथ्य लिखा हुआ है माया हर जगह माया, माया मातल परी, लेकिन अथर्ववेद के इन रहस्य को बिना तारतम्य ज्ञान के कोई भी नहीं जान सका है। अब श्री जी जब पूछते हैं कि बताइए, आप कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष मिल गए तो सृष्टि बन गई, तो ये दोनों कहाँ रहते थे और कहाँ मिले। अब जब लय होगा सृष्टि का तो दोनों कहाँ जाएंगे। जो विराट पुरुष है अक्षर का मन है, जिसको आदिनारायण कहते हैं, आप यहाँ सो गए सरसावा में और मुंबई चले गए सपने में। मुंबई की एक दुकान से आप कुछ सामान खरीद रहे हैं, एक बदमाश आया और आपको चांटा मार दिया। चांटा लगने से आपकी नींद टूट गई, आपका सपना भी टूट गया। जब तक सपना चल रहा था तब तक बम्बई में आप थे, जब सपना टूट गया तो आप सरसावा में सोए हुए होते हैं। बस उसी तरह से है अखंड ब्रह्मधाम में जो अक्षर का मन है, वो संकल्प कहिए जिसको आप सपना कहते हैं, वो ब्रह्म का संकल्प मात्र है। अक्षर ब्रह्म को नींद नहीं आती न उसको सपना आता है। उसने जब संकल्प किया तो उसके मन की शक्ति माया के अंतर्गत आ जाती है और वो बन जाता है नारायण, एको अहम् बहुश्याम। जब तक वो स्वप्न चल रहा होता है तब तक सृष्टि चल रही होती है, जैसे ही स्वप्न समाप्त होता है सृष्टि का लय हो जाता है। ये सूरज चांद सितारे सब स्वप्न के समान है, इसलिए तो कहा जाता है यह सब कुछ सपना है। आप अपने जीवन की गतियों को देखिए, इस मंडप में कुछ बच्चे बैठे हैं, कुछ युवा बैठे हैं, कुछ वृद्ध लोग बैठे हैं। जो 70-80 साल के वृद्ध हैं, कभी वो भी 2 साल के बच्चे थे, बड़े हुए वे पिता बने, अब दादा भी बन गए हैं। आपकी इतनी वर्ष की उम्र में आपके कितने मित्र आए गए, जन्म लेने से पहले आप कहाँ थे आपको कुछ नहीं मालूम। सपने के समान, जैसे एक धर्मशाला में रात को कई लोग मिलते हैं और सवेरे सभी अपने अपने काम पर चले जाते हैं, उसी तरह से जीवन एक धर्मशाला की तरह है, जिसमें प्राणी अनेक संगे संबंधियों से मिलता है। कुछ समय के लिए आप हैं, फिर आप भी इस धर्मशाला को छोड़कर चले जाएंगे। आप अभी दादाजी कहला रहे हैं, फिर बूढ़े होंगे, फिर सबको मालूम है क्या होगा। यदि मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ तो आपकी दादाजी, फिर आप किसी के पोताजी बन जाएंगे, फिर आपका जन्म हो जाएगा, यही तो चक्र है। कौन बिछुड़ता है कौन मिलता है, सृष्टि के रहस्य की तरफ किसका ध्यान जाता है। जो इस जन्म में हमको मिलते हैं वो सोचते हैं कि यही हमारे हैं, जो हमारा है वो नज़र नहीं आता, और जो हमारा नहीं है वही नज़र आता है, हमारी पत्नी, हमारा बेटा,
हमारी बेटी, हमारी बहू, हमारे परिवार वाले। हमारा परिवार क्या है ये किसी को नहीं मालूम। यही मोह का पर्दा पड़ा हुआ है, जो हम नहीं हैं। हमने इस शरीर को तो अपना रूप माना है। दुख का कारण ये शरीर है, मोक्ष का साधन ये शरीर है, लेकिन सारा ध्यान शरीर पर जाता है कि मैं शरीर हूँ। इस शरीर से परे अपने को देखिए कि मैं शरीर नहीं हूँ। वेद ने क्या कहा है, अहम इंद्रो न शरीरम, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ। जब तक शरीर का भाव रहेगा आप दुखी होते रहेंगे। आपको किसी ने ऊंचा आसन नहीं दिया तो दुखी, आपको मनपसंद भोजन नहीं मिला तो दुखी, आपको फूलों के हार डाल दिए गए तो खूब खुश हो रहे हैं, आपके 10 लोगों ने पैर छू लिया तो खुशी का ठिकाना नहीं कि मेरी इतनी इज्जत है। यही तो बंधन का कारण है। कभी आप खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं। कभी आपने कभी सोचा है कि आपका स्वरूप इस सुख और दुख से, मान और अपमान से, हानि और लाभ से सबसे परे है। इससे वेद की शिक्षा ये होती है, शरीर से परे अपने चेतन स्वरूप को जानिए। श्री जी जब पूछते हैं कि ये बताओ प्रकृति और पुरुष का कहाँ मिलन होता है, तो चुप हो जाते हैं। सूरज दृष्टे तिमिर रहे, सूरज के उगने के बाद भी अंधेरा बना रहे, ये कैसे संभव है? यही बड़ो संदेह, यह बहुत संदेह की बात है। महाप्रलय सब जगत को, वेद कहते हैं कि जब महाप्रलय होता है तो सारे जगत का लय हो जाता है। प्रकृत पुरुष लो होए, पुरुष प्रकृति तक जब महाप्रलय होगा तो कार्य कारण सारा कुछ जगत जो है लय हो जाता है। पहले ये कार्य जगत कारण जगत में लय होगा, और कारण जगत जो प्रकृति है वो जो प्रण की हिलादिनी शक्ति के संकल्प से उत्पन्न हुई होती है वो भी समाप्त हो जाती है। जैसे एक चीज मैं आपको एक दृष्टांत से दिखाता हूँ। आप दर्पण के, आप 6 फुट का एक दर्पण खरीदिए और अपने वजन को तोलिए, दर्पण के सामने खड़े हो जाइए और तब अपना वजन तोलिए, क्या दोनों बार के वजन में कुछ कमी आएगी? आपका एक शरीर दर्पण में दिख रहा है, एक शरीर असल है, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। बस यही रहस्य समझ लीजिए। आप यहाँ सरसावा में सो रहे हैं, मैंने दृष्टांत दिया बम्बई में चले गए थे, तो बम्बई वाला तन नहीं होते हुए भी है, क्योंकि सपने में भी सत जैसा अनुभव होता है। कई बच्चे नींद में सोते रहते हैं, सपना देख रहते होते हैं और सपने में गाली देते हुए बिस्तर से उठकर खड़े हो जाते हैं। लोग सपने में बड़बड़ाने लगते हैं, एक दूसरे को चांटा मार देते हैं। सपने में जो दृश्य दिखा जा रहा है वो झूठ होता है, लेकिन सत्य जैसा भासित होता है। उसी तरह से यह संसार है नहीं लेकिन लग रहा है, कुछ भी तो नहीं है। कल क्या था, भर्तृहरि ने एक श्लोक में कहा है कि यहाँ एक पहले राजा रहा करता था, उसकी चतुरंगड़ी सेना हुआ करती थी, उसका महल था, अब कुछ भी नहीं है, काल ने सबको हर लिया। आप जिस सरसावा में रह रहे हैं, यहीं से कुछ दूरी पर तो कुरुक्षेत्र है, हस्तिनापुर है। कहाँ गया हस्तिनापुर, कहाँ गया वो इंद्रप्रस्थ जिसके महल को देखकर दुर्योधन चकित रह गया था? कुछ भी तो नहीं है, काल ने सबको ले लिया। कुछ समय के बाद ये सूरज भी नहीं रहेगा, ये चंद्रमा भी नहीं रहेगा। जिस शरीर को नहला धोला कर हम सुंदर बना रहे हैं, ये शरीर भी नहीं रहेगा। फिर भी मेरी मेरी करत दुनी जाते बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, सब कुछ बदल रहा है, हर क्षण हर पदार्थ का रूप बदल रहा है, फिर भी मनुष्य इसी को तो पकड़े हुए हैं, इसी के मोह में जी रहा है, इसी के लिए संजो रहा है। परमात्मा जो अखंड स्वरूप है, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से नहीं मिलाता। रूप रहे नहीं प्रकृति को, और प्रकृति का रूप महाप्रलय में नहीं रहता, मिले कहाँ ए दो ए, बताइए ये दोनों कहाँ मिलते हैं? निराकार के मूर्त है, ये बताइए प्रकृति का रूप साकार है या निराकार? भेद कहो समझाए, आप इस भेद को समझाइए। बेचारे क्या उत्तर देते हैं, मौन होकर के रह जाते हैं। प्रलय मध्य स्थान कहाँ, और बताइए जब महाप्रलय हो जाता है तो पुरुष का स्थान कहाँ रहता है? रहे कहो सब भाई, आप इसको बताइए। जो तुम अपनी बुद्ध कर, और यदि आप अपनी बुद्धि से ये बताते हैं कि परमात्मा और प्रकृति का रूप निराकार है, निराकार कहो ताही, यदि आप इसको निराकार कहते हैं तो मिलन कहो कैसे भयो, तो ये बताइए निराकार में निराकार मिल गया,
मिलन तो साकार का साकार में होता है, निराकार का निराकार में मिलन कैसे होता है? दो भेद पुनीता ही। और आप इस भेद को समझाइए, जैसे पानी में शक्कर मिला देंगे तो कह सकते हैं कि शक्कर में पानी में शक्कर मिल गए, लेकिन हवा में हवा मिलती है, लेकिन एक में ओतप्रोत हो जाती है। जैसे दो व्यक्ति साकार साकार व्यक्ति हैं, मिलना गले मिलना अलग है और लय हो जाना अलग है। इनका कहना है कि पुरुष और प्रकृति का मिलन होता है तो सृष्टि बनती है। ये तो मिलन नहीं हुआ, पानी में शक्कर को घोला गया तो शक्कर पानी में घुल गई, मिली नहीं। मिलने का मतलब अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखी हुई, वो तो लय हो गई, विलीन हो गई, दिखाई नहीं पड़ रही है, मिठास छोड़ गई है। तो श्री जी के कहने का आशय यह है कि प्रकृति साकार है या निराकार, पुरुष साकार है या निराकार। निराकार यदि दोनों हैं तो कैसे इनका मिलन हुआ? वैशेषिक दर्शन तब बोले। अब वैशेषिक दर्शन के आचार्य क्या कहते हैं? सबको मूल काल मत खोले। कि आप हमारा जान सुनिए, सबका मूल क्या है? काल। काल पाए उपजत है यही। और काल से ही जगत की उत्पत्ति होती है। ख्याल खिलावत सबको दे। और ये काल ही है जो जगत का खेल चला रहे। अब देखिए काल किसको कहते हैं? वैशेषिक दर्शन के रचनाकार हैं महर्षि कणाद, जो एक बार की समाधि लगाते थे तो ऐसा कहा जाता है 6 महीने तक बैठे रहते थे। और जानते हैं उनके पास क्या संपदा थी? फसल के कटने के पश्चात जो जमीन पर दाने गिर जाते थे, कणाद मुनि उसको ही इकट्ठा करके रखते थे, कभी कभी खा लिया करते थे, यही उनकी संपदा थी। इसलिए मैं कहता हूँ कि ऋषियों का जीवन और महंतों के जीवन में जमीन आकाश का अंतर होता है। एक मठाधीश के पास 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख की कार होनी चाहिए। एक ऋषि के पास क्या संपत्ति है? संसार को परमाणुवाद का ज्ञान किसने दिया? महर्षि कणाद ने। उनके पास क्या संपत्ति है? कुछ नहीं। एक बार उनके शिष्यों ने कहा कि आचार्य, एक गुरुकुल की स्थापना करनी है। उनके एक शिष्य ने राजाओं से बहुत धन लेकर के ला दिया कि आचार्य जी, इससे तो एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बन जाएगा। कणाद ने कहा कि नहीं, मुझे ये धन नहीं लेना है, इस धन को तुम वापस कराओ। खुद कुल्हाड़ा लेकर अपने सारे शिष्यों के साथ वन में गए, लकड़ियाँ काट कर लाए और कहा कि नहीं, मेरा गुरुकुल झोपड़ियों से शुरू होगा, अपने पुरुषार्थ से, परिश्रम से अपने गुरुकुल को चलाओ। धनियों के धन से जो इसमें धन आया है, हो सकता है इसमें पाप भी हो, पाप कन खाओगे, तुम्हारी बुद्धि में मलिनता आ जाएगी। इसलिए कणाद ऋषि खुद आगे आगे बढ़े, सब शिष्यों को लेकर जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाए, गुरुकुल की नींव रखी गई और तब महर्षि कणाद ने ये वैशेषिक दर्शन रचा। इसमें विशेष रूप से काल की व्याख्या है, काल यानी समय। 9 द्रव्य माने हैं वैशेषिक दर्शन के आचार्य ने, भूमि आप तेज वायु आकाशो काल दिक मन आत्मा इति द्रव्यान्। 5 तत्व काल दिक मन और आत्मा, ये 9 द्रव्य माने हैं। आत्मा का अर्थ जीव और परमात्मा दोनों है। जैसे कुछ भी सृष्टि में काम होता है, बिना समय के तो काम नहीं होगा। आप कुछ करें या चाहे न करें, समय तो बीतता रहता है। और जब सृष्टि नहीं रहती तभी भी काल रहता है, क्योंकि जब महाप्रलय हो जाता है उस समय सूर्य चंद्रमा भले ही नहीं हो, काल तो रहता है। जैसे 4 अरब 32 करोड़ वर्ष इस सौर मंडल की उम्र है। जब ये सब कुछ लय हो जाएगा, सूर्य नहीं रहेगा, चंद्रमा नहीं रहेगा, तो समय की तो गणना नहीं हो सकती, लेकिन काल की गणना चलती रहती है। उतने समय के पश्चात पुनः सृष्टि का प्रकटन हो जाता है, सौरमंडल फिर प्रकट हो जाएगा। इसलिए समय और काल में सूक्ष्म अंतर होता है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। वैशेषिक दर्शन के आचार्य ने कहा है कि काल हमेशा बना रहता है, लेकिन यह अनित्य है, अनित्यों में है। जैसे जहाँ काल है वहाँ परमात्मा नहीं है, लेकिन सृष्टि में काल नित्य है। जितने नश्वर प्राणी हैं वो काल से बंधे हैं, परमात्मा काल से बंधा नहीं है। कारणेन काला, इसलिए प्रकृति को काल कहते हैं।
सबको खाए कर देना सा। अब ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने बाह्य अर्थ देखा कि काल है, सबको अपने अंदर लीन कर लेता है। यही रूप ब्रह्म को वासा। जैसे परमात्मा जो है सबको लीन कर लेता है, काल भी तो लीन करता है, इसलिए परमात्मा को काल रूप कहते हैं। वैशेषिक दर्शन में कुछ कहा गया है और इसका आशय वो कुछ लगा रहे हैं। श्री जी प्रश्न कियो तब तिनको। अब श्री जी उनसे क्या प्रश्न करते हैं। मूल कथो काल जो सबको। हे आचार्य जनों, आप ये बताइए, आप सबका मूल काल को बता रहे हैं। वेद वाक्य मध्य काल को नाश। लेकिन वेद क्या कहते हैं। तम असि तमसाम गुणम अग्रे। यह जगत परमात्मा के सम्मुख एक देशी आच्छादित था। जहाँ परमात्मा है वहाँ काल की सत्ता नहीं होती, अखंड है, अविनाशी है। जहाँ परमात्मा है, जैसे सूर्य में क्या अंधेरा रह सकता है, यदि सूर्य में अंधेरा नहीं रह सकता तो परमात्मा में काल की सत्ता कहाँ से हो सकती है। काल इस माया के संसार में, इसलिए इसको क्या कहते हैं, काल माया का प्रमाण। जो वस्तु बनी है एक दिन लय को प्राप्त अवश्य हो जाएगी। काल रहित है ब्रह्म प्रकाश। और परमात्मा क्या है, काल से रहित है। कयो श्रुति स्मृति में माही। श्रुति और स्मृति में परमात्मा को काल से रहित कहा गया है। कठोपनिषद में कहा गया है, भयात अग्नि तपति, भयात तपत सूर्य। परमात्मा के भय से अग्नि तपता है, सूर्य तपता है। भयात इंद्र च वायु च मृत्यु धावति पंचमा। परमात्मा के भय से मृत्यु भी दौड़ता है, यानी काल भी दौड़ता है। काल की सत्ता है, सूर्य चंद्रमा की सत्ता है, ये सब कुछ परमात्मा के अधीन है। पृथ्वी से पहले है सूर्य, सूर्य से पहले है गैलेक्सी, गैलेक्सी से भी पहले कुछ और था, लेकिन परमात्मा तो इन सबसे पहले है। इसलिए परमात्मा का कभी लय नहीं होता, परमात्मा की कभी उत्पत्ति नहीं होती, परमात्मा का कभी विनाश नहीं होता। काल तहाँ पहुँचते ना, जहाँ परमात्मा का स्वरूप है वहाँ काल पहुँचता भी नहीं है। काल पाए उपजे सोभिन से। काल के द्वारा जिस सृष्टि का उद्भव होता है, जो सृष्टि उत्पन्न होती है, उसका विनाश अवश्य होता है। उत्पत्त लीन हुए सब तीन से। और उत्पत्ति जिसकी होती है उसका विनाश अवश्य होता है। ब्रह्म माही उत्पत्त लय नाही। जहाँ परमात्मा है न उत्पत्ति होती है न लय होता है। उत्पत्ति और लय कहाँ होता है, काल माया के ब्रह्मांड में। बेहद के मंडल में परम धाम में न कोई वस्तु उत्पन्न होती है और न कोई वस्तु लय को प्राप्त होती है। सूर्य में जो कुछ है सूर्य के समान है। सूर्य में क्या बर्फ देखी जा सकती है, सूर्य में क्या अंधेरा देखा जा सकता है। इसलिए इस सृष्टि में, मायावी जगत में, किसी पदार्थ की उत्पत्ति होती है और उस पदार्थ का विनाश हो सकता है। आपको कहा जाए, आप बड़े बड़े भवन बना सकते हैं, लेकिन शून्य में कहा जाए कि धूल का एक कण बनाइए, क्या आप बना सकते हैं। मनुष्य कितनी डींगे हाँके सकता है, अरे मैंने तो रॉकेट बना दिया, वायान बना दिया, रेलगाड़ी बना दी। उसको कहिए कि धूल का एक कण बना करके दिखाए, एक अणु बना करके दिखाए, शून्य में नहीं बना सकता, कुछ नहीं बना सकता। बेचारे मनुष्य को तो इतना भी अधिकार नहीं है, फिर भी मनुष्य अपने को कितना शक्तिमान समझता है। हाँ, यदि वो अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ ले तो देखे कि पता चले कि हाँ, मैं भी परमात्मा की हिलादनी शक्ति हूँ, मैं उसकी आत्मा हूँ, वह सागर है तो मैं उसकी लहर हूँ, मेरे से उसमें कोई भेद नहीं। लेकिन जब दृष्टि माया में जाती है तो लगता है कि हम क्या हैं, हमारा अस्तित्व तो समुद्र के किनारे एक पानी के बुलबुले जैसा भी नहीं है। सब ते दूर रहे सब माही। परमात्मा तो सबसे दूर है और उसकी सत्ता सबके अंदर है। कहो स्वरूप ब्रह्म को ऐसो। ब्रह्म का स्वरूप तो वेद शास्त्रों में ऐसा कहा गया है। तुम तो कहे तो सबलिक जैसो। लेकिन तुम तो परमात्मा को कैसा मानते हो, सबल, सबलिक नहीं है, अपभ्रंश हो गया, ये सबल ब्रह्म, सबल तालब विषय है। सबल का अर्थ होता है अक्षर ब्रह्म के मन का वह स्वरूप जो स्वाप्निक हो और मोह सागर में आया हो। ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप क्या है, निर्गुण, शब्द स्पर्श रूप रस गंध से सर्वथा परे, प्रकृति से सत्व रजतम से सर्वथा परे, जो ब्रह्म का निर्गुण रूप है वह शुद्ध रूप है, ऐसी वेदांत की मान्यता है। और उसका स्वाप्निक रूप जब मोह सागर में आता है तो वह सबल ब्रह्म या हिरण गर्भ या प्रणव आदि नारायण महाविष्णु
के रूप में आता है। श्री जी कह रहे हैं कि ब्रह्म का रूप ऐसा कहा गया है, लेकिन तुम तो ईश्वर जैसा, नारायण जैसा बता रहे हो। अंग सबलिक माया माही, जो सबल ब्रह्म का नारायण का रूप होता है वो माया के अंतर्गत होता है, परमात्मा का स्वरूप माया से सर्वथा परे होता है। निर्विकार सब ही में माही, वो निर्विकार है, उसको माया का कोई भी विकार नहीं सता सकता, सत्व रज तम के बंधन उसको नहीं छू सकते और वो मायावी जगत में नहीं होता, सबसे पृथक वो निर्गुण स्वरूप में होता है। होए काल मध्य ब्रह्म सो नाही, जो काल के अंतर्गत है वो परमात्मा नहीं है। आपने अभी सुना कि जहाँ तक मन और इंद्रियों की पहुँच है सब नश्वर है, आप स्वर्ग में जाइए उसका भी विनाश होगा, वैकुंठ का भी विनाश होगा, निराकार माया का भी विनाश होगा, कुछ बचने वाला नहीं है, बचेगा कौन, जो अखंड पद है। इसलिए वेद ने क्या कहा, आदित्य वर्णा तमसा परस्ताद, परमात्मा कैसा है, अखंड स्वरूप वाला है, माया से सर्वथा रहित है। या विध कहो वेद के माही, वेद में तो ऐसा कहा गया है, निराकार तुम काले कहो, और तुम निराकार को क्या कहते हो, काल को, तुम काल को निराकार कहते हो। तैसो रूप ब्रह्म को लाहो, और तुम परमात्मा का रूप भी निराकार मानते हो। तब बोले पातंजल ज्ञानी, अब जब श्री जी ने ऐसा कहा कि बताओ आचार्य, आपने तो वैशेषिक दर्शन को गहनता से पढ़ाई नहीं, कहाँ कणादि ऋषि कुछ कहना चाह रहे हैं और आपने तो उनके आशय को समझे बिना जड़ काल को ही परमात्मा कह दिया। परमात्मा चेतन है, काल बताइए, काल का स्वरूप क्या है, क्या परमात्मा जिसको शुक्र ज्योति, चित्र ज्योति, सत्य ज्योति, ज्योतिष्मान कहा गया है, क्या काल भी ज्योति स्वरूप है, यदि नहीं है तो परमात्मा को तुम काल क्यों कहते हो। गायत्री मंत्र में उसको भर्गा कहा गया है, वरेण्यम भर्गा, परमात्मा का वर्ण करने योग्य जो तेजोमय स्वरूप है वो तो काल नहीं है। इसलिए परमात्मा की शक्ति से जगत का लय होता है, लेकिन परमात्मा तो अलग है। जब श्री जी ने ये कहा तो वैशेषिक दर्शन के आचार्यों के पास उनके तर्कों का कोई उत्तर नहीं था, वो चुप होकर के बैठ जाते हैं। अब जो दर्शन है पतंजल का, योग दर्शन, पतंजल महर्षि ने जो दर्शन शास्त्र लिखा उसको कहते हैं पातंजल दर्शन, और इसमें योग की व्याख्या की गई है। अब इस दर्शन के आचार्य खड़े होकर कहते हैं, व्यापक ब्रह्म सकल मध्य जानी, परमात्मा सबके अंदर व्यापक है, यही भवन ब्रह्म को लेखो, और जो ये सारा जगत है परमात्मा की रचना है, व्यापक इत है तू देखो, जिस तरह से फूल में सुगंध होती है, लकड़ी में अग्नि होती है, दूध में मक्खन होता है, उसी तरह से परमात्मा जगत में व्यापक है, आप इस रहस्य को समझिए। पिंड माही आठ अंग लेखे, अब शरीर में योग के जब आठ अंग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जब योग के आठ अंगों से ध्यान समाधि की जाती है तो जो व्यापक परमात्मा है, जैसे दूध को मखने पर या दही को मथने पर मक्खन या घी निकल आता है, लकड़ी को रगड़ने पर अग्नि प्रकट हो जाती है, उसी तरह से जो परमात्मा सृष्टि में व्यापक है, पूरा जगत क्या है, उसका सूक्ष्म रूप हमारे शरीर के रूप में है। जब हम समाधि अवस्था में पहुँचते हैं तो जो व्यापक परमात्मा है ज्योति के रूप में प्रकट हो जाता है, ये पतंजल योग दर्शन के अनुयायी आचार्य कह रहे हैं। खोज कीजिए जब चित के दे, और जब इसको चित दे करके खोज करते हैं, नाड़ी चक्र से धियो जब ही, अपना हठ योग में आ गए। आप देखेंगे योग दर्शन में कहीं हठ योग में कहीं भी नाड़ी चक्र शोधन का वर्णन नहीं है। नाड़ियों के शोधन के लिए हठ योग में नेति धोती बस्ती ताटक कपाल भाति कराया जाता है, योग दर्शन में इसका कहीं वर्णन नहीं है। चक्रों के शोधन का कहीं वर्णन नहीं है, चक्रों पर ध्यान करना ये सब हठ योग की प्रक्रिया है, हठ योग प्रदीपिका से ये लोग बोल रहे हैं, कहीं भी योग दर्शन के सूत्रों में नाड़ी चक्र शोधन का कहीं वर्णन नहीं है। मिले ब्रह्म आप में तब ही, वो कहते हैं कि पहले
हठ योग की साधना कीजिए, नेति धोती बस्ती ताटक कपाल भाती। नेति आप समझते हैं, जल नेति होती है, सूत्र नेति होती है, घृत नेति होती है। नासिका में एक तरफ से डाला जाता है, दूसरी तरफ से निकाला जाता है। धोती क्रिया में मुंह में कपड़ा डाल करके आंतों को शुद्ध किया जाता है। वस्त्री मल द्वार से पानी अंदर चढ़ा करके आंतों को धोया जाता है। त्राटक एकटक देखना, नेति धोती बस्ती ताटक कपाल भाती। कपाल भाती आप जानते हैं ना, रामदेव जी कराते हैं, खूब जोर से सांस लेना, खुर छूना। तो इससे वो मानते हैं कि नाड़ियों का शोधन हो जाता है, इसके बाद शरीर योग्य हो जाता है कि लंबे समय तक ध्यान साधना करें। आठ चक्र माने गए हैं, आठ चक्रों पर मन को एकाग्र करेंगे। जब आठवें चक्र पर जाएंगे तो दसवें चक्र, ये आठवें चक्र में समाधि लगाने से जो दसवां द्वार है खुल जाता है, प्रकाश हो जाता है, कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है, ब्रह्म इसमें प्रकाश रूप दिखता है, ये ब्रह्म का साक्षात्कार है। वो ये बता रहे हैं, श्री जी उनसे प्रश्न करते हैं। आठ अंग योग के जही, क्या आठ अंग योग के जही? हाँ, ये योग के आठ अंग हैं। नाम कहत हो तिनके ही, आप उनके नाम सुनिए। आसन प्राणायाम जो कहिए, ये उनके नाम बता रहे हैं। आसन प्राणायाम, प्रत्याहार धारणा लही। प्रत्याहार कहते हैं अंतर्मुखी होना। यम क्या है? पांच यम है, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और पांच नियम है शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर परिधान। ईश्वर परिधान किसको कहते हैं? परमात्मा पर अटूट समर्पण को। शौच दो तरह का होता है, बाह्य और अभ्यंतर। जहाँ ध्यान कीजिए रहिए उसको पवित्र रखिए, और अभ्यंतर शौच यानी मन और इंद्रियों की पवित्रता। ध्यान समाधि नेम जप जोई, और क्या है ध्यान और समाधि? प्रत्याहार यानी अंतर्मुखी होना, धारणा, धारणा मैंने मन को किसी वस्तु पर एकाग्र करना, ज्योति बिंदु पर कीजिए, किसी नाड़ी में कीजिए, परमात्मा के किसी स्वरूप का चिंतन करके चित्त की वृत्तियों को वहाँ निरोध कीजिए, उसको कहते हैं धारणा। जब तीन घंटे तक बनी रहे, तीन घंटे तक आप बिना हिले डुले बैठ जाएं तो उसको आसन की सिद्धि कहेंगे। चार घंटे तक आप एक ही लक्ष्य पर आपका मन बना रहे तो उसको धारणा कहते हैं। पाँच घंटे तक वो लक्ष्य से भटके नहीं तो उसको ध्यान करते हैं, और छः घंटे तक लगातार वही लक्ष्य दिखता रहे, मन में कोई विचार ना आए तो उसको समाधि करते हैं, और समाधि में साक्षात्कार होता है, यही बात बता रहे हैं। ज्योत रूप तुम ब्रह्म ही मानो, परमात्मा कैसा है? ज्योति स्वरूप है। कारण बीज जगत को जानो, और परमात्मा वही जगत का कारण है, ज्योति स्वरूप है, क्योंकि दसवें द्वार में ज्योति स्वरूप के रूप में दर्शन होता है। जब दसवें द्वार में सारे प्राण वायु एकत्रित हो जाती है, आठवां चक्र यहाँ पर है, यही दसवें द्वार है। जब इसमें हम समाधिस्थ हो जाते हैं तो ज्योति स्वरूप के जीव की ज्योति दिखाई देती है, उसी को ये परमात्मा का रूप मान लेते हैं। उपजे उपजावे सबया में, यही परमात्मा है जो सृष्टि को उत्पन्न करता है। जगत रहत किरणा सबता में, जैसे परमात्मा है और ये जगत सूर्य के किरणों के समान है, परमात्मा सूर्य है तो ये संसार उसकी किरणों के समान है। बुद्ध विषय ले वो ए मत सार, हे श्री जी आप अपनी बुद्धि में हमारे इस तथ्य को ग्रहण कीजिए। ग्रहो चित्त में कर निर्धार, और आप इसको अपने चित्त में ग्रहण कीजिए। श्री जी पूछो प्रश्न विवेके, श्री जी प्रश्न पूछते हैं। मेटो आशंकाए चित देके, के आचार्य जनो मेरे इस संशय को आप मिटाइए। ब्रह्म सचिदानंद स्वरूप, परमात्मा को तो धर्म ग्रंथों में सचित आनंद का स्वरूप कहा गया है। जगत असत जड़ दुख को रूप, लेकिन जगत असत्य है, जड़ है और दुख का रूप कहा गया है। सत वस्तुते सत ही उपजे, सत्य वस्तु से सत पैदा होती है। परमात्मा जब चेतन है और सूर्य जैसा है उसकी किरणें भी वैसी हैं, परमात्मा चेतन है तो जगत को भी चेतन होना चाहिए। द्रव्य असत से असत ही उपनीत, और झूठे पदार्थ से झूठा बनेगा। मिट्टी से आप घड़ा बनाएंगे तो मिट्टी का ही घड़ा होगा, सोने का घड़ा नहीं होगा, और सोने से जो घड़ा बनाएंगे सोने का घड़ा होगा। चेतन परमात्मा है, उसी से ब्रह्म यदि बन जाएगा, जगत बनेगा, तो सारा जगत चेतन होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने परमात्मा को क्या कहा? सूर्य कहा, और किरणों को जगत कहा।
सूर्य और किरणें तो एक समान होती हैं. किरणों का जो स्वरूप होता है सूर्य का वही स्वरूप होता है. श्री जी ने उनकी इस बात का खंडन किया कि परमात्मा सच्चित आनंद स्वरूप है, जगत असत जड़ और दुख का रूप है. भला सूर्य की और किरणों के दृष्टांत से तुम इस जगत को और परमात्मा को क्यों मान रहे हो? इच्छा रहित ब्रह्म श्रुति के माही. श्रुतियों में परमात्मा को तो संसारिक इच्छाओं से रहित कहा गया है. परमात्मा को इच्छा नहीं होती. आप तिरुपति मंदिर में लोग चढ़ावा क्यों चढ़ाते हैं? शायद आम जनता को ये पता नहीं है. पौराणिक कहानी कही जाती है कि भगवान को विवाह में दहेज की कमी पड़ गई, तो उस दहेज की जो पूर्ति करेगा यानी वहाँ धन चढ़ाएगा तो उतना धन मिल जाएगा. इसीलिए हिंदू लोग, जैसा कि मैंने सुना है कहानी यही है, आंख मूंद करके वहाँ पैसा चढ़ाते, करोड़ों करोड़ रुपए चढ़ाते हैं कि हम देंगे, परमात्मा हमें इससे ज़्यादा देगा. आप करोड़ों रुपए जो तिरुपति मंदिर में चढ़ाते हैं वो करोड़ों रुपए से आदिवासियों के लिए, दीन दुखियों के लिए कुछ करेंगे तो परमात्मा अवश्य करेगा. आप तो सोचते हैं कि परमात्मा तक ये पैसा पहुँच गया, परमात्मा तक तो नहीं पहुँचता. आप जानते हैं उसमें कितनी बंदर बांट होती है. कुछ सरकार के खाते में जाएगा, कुछ पंडित पुजारी के खाते में जाएगा, कुछ महंत के खाते में जाएगा, कुछ और लोग खा पी लेंगे. परमात्मा तो कोई इच्छा रखता ही नहीं. वो आपके पैसों की इच्छा नहीं करता, आपके मिठाई के पैकेटों की इच्छा नहीं करेगा. वो तो सारी सृष्टि को देने वाला है. उसको क्या कमी है कि आपके पैसे से वो चाहेगा. लोगों को मैंने देखा है मंदिर में जाते हैं, एक रुपये का सिक्का फेंकेंगे जैसे परमात्मा को भीख दे रहे हैं. जैसे भीख दी जाती है भिखमंगे को, वैसे मंदिर में आकर रुपये को फेंकते हैं लोग. मनुष्य कितना नादान है. वो सोचता है परमात्मा तुम्हारे एक रुपये का भूखा है. परमात्मा की इच्छा मात्र से तो करोड़ों पृथ्वी, करोड़ों सूर्य, अनंत हीरे मोतियों जैसे पृथ्वी उत्पन्न होती है, लय को प्राप्त हो जाती है. परमात्मा को भिखमंगा नहीं समझना चाहिए. लेकिन आज का इंसान परमात्मा को बनाएगा, परमात्मा की मूर्ति में प्राण डालेगा, उसको कमरे में बंद कर देगा, ताला भी लगा देगा कि जब तक मैं न चाहूँ तुम बाहर भी नहीं जा सकते. खिलाएगा, पिलाएगा, भीख भी देगा. परमात्मा को भिखमंगा बना करके बैठा दिया जाता है मंदिरों में. लोग आते हैं, चढ़ाते जाते हैं, खुद तो धनवान हो जाते हैं, सुख पाते हैं. बेचारे परमात्मा के नाम पर जो मूर्तियाँ होती हैं उनको कैद खाने में बंद किए रहते हैं. कहाँ वेद में लिखा है ऐसा? लेकिन सारा हिंदू समाज यही कर रहा है. इच्छा रहित ब्रह्म श्रुति के माही. श्रुतियों में परमात्मा को इच्छा से रहित कहा गया है. उपज खपतता में कछु नाही. और परमात्मा में न कोई वस्तु उत्पन्न होती है न लय को प्राप्त होती है. उपज खपत माया ते होई. जो माया के अंतर है उसी में उत्पत्ति होती है और विनाश होता है. वेद शास्त्र मध्य कहो जो सोई. वेद शास्त्रों में तो ऐसा कहा गया है. वेद कहत माया में बास. वेद कहते हैं कि माया में उसका प्रतिबिंब पड़ता है. ताते करत सक प्रकाश. मुझे सुनाई नहीं पड़ता है. ताते कर सकत प्रकाश. इसलिए वेद कहत माया में भास, माया में उसका प्रतिबिंब पड़ता है. पंच अवयव संयुक्त स एव प्रणविता तस्मिन मोह जल धावसेत पुरुषो महान. पंच अवयव संयुक्त स एव प्रणविता. जैसा प्रणव है अव्याकृत में के स्थूल में, वही प्रणव ओम मोह सागर में प्रतिबिंब हो जाता है तो वहाँ भी ओम के रूप में दिखाई देने लगता है. जैसे मैंने अभी दृष्टांत दिया था, आप सरसावा में सो रहे हैं और बम्बई में आप चले गए, तो आपके जैसे दो हाथ दो पैर यहाँ पर हैं उसी तरह से मुंबई में भी आपके दो हाथ दो पैर दिखेंगे. जो आपका नाम यहाँ रहेगा मुंबई में भी नाम वही रहेगा. इसलिए जो अखंड प्रणव है उसी का प्रतिबिंब माया में पड़ता है तो उसको भी कहते हैं प्रणव. एक अंड ओंकार से सब जग भया पसार. कबीर जी ने कहा है, नानक देव जी भी कहते हैं इस बात को. एक अंड ओंकार से सब जग भया पसार. ओम की ध्वनि हो रही है. आजकल वैज्ञानिकों ने काफ़ी कहना है, नासा के वैज्ञानिकों का, कि सूर्य में ओम की ध्वनि लगातार गूंजती रहती है. सृष्टि की उत्पत्ति किससे हुई? ओम से. सृष्टि में पहला शब्द क्या हुआ? ओम हुआ. और यही ओम क्या है? अखंड में है, यानी अक्षर का मन कहलाता है अव्याकृत, जिसको वेदों में ओम के द्वारा दर्शाया गया है.
ओम का प्रतिबिंब भी ओम होगा और ओम से ये जगत की उत्पत्ति हुई है। जो असल ओम को नहीं जानते वो प्रतिबिंब के ही ओम को समाधि में देख करके कहते हैं कि हमने परमात्मा का दर्शन कर लिया। किरणा सूरज भेद न आए, किरणों और सूर्य में कभी भी भेद नहीं होता। माया ब्रह्म बीच बहु भाए, इसी तरह से माया और ब्रह्म का ये अलग अलग रूप है। परस्पर प्रतिवादी दो, माया और ब्रह्म दोनों एक दूसरे से भिन्न है, दोनों में कभी एकता नहीं हो सकती। माया जड़ है, ब्रह्म चेतन है। माया दुखमयी है, ब्रह्म आनंदमयी है। एक पात्र मध्य रहे ना को, दोनों एक पात्र में कैसे रह सकते हैं। सत असत की जात है न्यारी, सत और झूठ में कभी भी मेल नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा का स्वरूप अलग है। परमात्मा को सूरज यदि आप कहते हो तो संसार को उसकी किरण नहीं कह सकते। किरण तो आत्मा रूप है, आत्मा और परमात्मा का एक स्वरूप है, लेकिन संसार को और परमात्मा को एक रूप बताओ ये उचित नहीं है। या में रहे बीच बहु भारी, इस तरह से ये या में बीच रहे बहु भारी, इस प्रकृति के अंदर उसकी सत्ता विद्यमान है। रहे प्रमाण वचन सब के रे, और ये आपके जो जो भी आप तर्क दे रहे हैं ये तो इस जगत की सारी बातें हैं। यह विध खोलो प्रश्न जो मेरे, श्री जी कहते हैं कि हे आचार्यों आप लोग मेरे इस प्रश्न का समाधान कीजिए। फिर वेदांती दर्शन जे ही, श्री जी के प्रश्नों का उनके पास कोई समाधान नहीं था, अब वेदांत दर्शन के आचार्य खड़े हो जाते हैं। ब्रह्म बिना कछु कहत ना ते ही, और वो क्या कहते हैं कि हम परमात्मा के सिवाय अन्य कोई भी बात नहीं कहते हैं। माया को आनंद पूर्ण कहे, माया ये ब्रह्म की शक्ति है, इसलिए भी हम माया को वाणी से परे बताते हैं। माया सदा ब्रह्म मध्य रहे, और क्या कहते हैं माया ब्रह्म के अंदर रहती है। आप देखिए क्या कभी किसी ने देखा है कि सूरज के अंदर अंधेरा बैठा रहता है। 12 बजे रात को कहा जाए कि रात के 12 बजे हैं और कणकण में सूरज दिखाई दे रहा है, कोई मानेगा? वैसे वेदांति भी क्या कहते हैं कि ये सारा जगत माया का है और माया के कणकण में ब्रह्म है। जब कणकण में ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं, तो जगत तो ब्रह्म रूप हो गया। फिर आपको कोई गंदगी क्यों दिखाई देती है? ब्राह्मण और शूद्र में आपको भेद क्यों दिखाई देता है? जब सारे ही ब्रह्म के रूप हैं, कोई कहे ये सभी ब्रह्म, तब तो अज्ञान कछुए नहीं, तो सटशास्त्र हुए काहे को मोहे ऐसी आवत मन माही। तो एक ब्रह्म ज्ञानी बनकर उपदेश दे रहा है, एक ब्रह्म अज्ञानी बन करके दूसरे से ज्ञान ग्रहण कर रहा है, ये कैसे संभव है? कुछ वेदांती लोग वेदांत के सूत्र रट करके कहा करते थे, अहम सच्चिदानंदो अहम पूर्णानंदो अहम पूर्णानंदो अहम सच्चिदानंदो अहम। ऐसे ही एक वेदांती को हंसी में दयानंद जी ने चांटा मार दिया। उस वेदांती महाराज को गुस्सा आ गया। दयानंद जी हंसते हुए कहते हैं कि अरे भाई, सच्चिदानंद परब्रह्म को क्रोध कहाँ से आ गया? क्योंकि आप तो सृष्टिकर्ता हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं, आप में क्रोध का विकार कहाँ से आ गया? शब्दों के वास्तविक आशय को न समझने के कारण संसार भटक जाता है। वेदांत दर्शन के वास्तविक आशय को वेदांतियों ने समझा नहीं और तारतम्य ज्ञान के प्रकाश से रहित होने के कारण सम्य भ्रांति चली गई। इसलिए एक किरंतन उतरा था, कली में देख्या ज्ञान चंबा, बातन महल रचे अति सुंदर, चेजा जमी न थम्बा, अंग न इंद्रिय अंतस्करण वाचा, ब्रह्म न पहुँचे कोई, यों कहे साख पुरावे श्रुति, फेर कहे अनुभव होई। यानी कलयुग में बातों का एक हवाई महल खड़ा कर रखा है। कहते हैं कि ब्रह्म तक मन चित बुद्धि नहीं पहुँच पाती, अहम ब्रह्मस्मि हो के बैठे, तत्त्वमसि कहावे स्वामी शिष्य ने क्रिया करनी, यो महावाक्य दृढ़ावे। कुछ करते नहीं, कहते कि हम ही साक्षात ब्रह्म हैं। यदि आप साक्षात ब्रह्म हैं तो आप दुखी क्यों होते हैं? आप रोते क्यों हैं? आप मरते क्यों हैं? आप जन्मते क्यों हैं? क्योंकि ब्रह्म तो जन्म मरण से सर्वथा परे हैं। तो तरह तरह के कुतर्क देने लगते हैं। माया माहे ब्रह्म है व्यापक, ब्रह्म पूरी ये इस मायावी जगत में व्यापक है। सर्वदेशी है सर्वलायक, सर्वदेशी है, एक जगह नहीं है, सर्वत्र व्यापक है।
ब्रह्म बिना दूजा दो देखे और ब्रह्म के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को जो कोई देखता है ब्रह्म के अतिरिक्त कोई और बात कहता है तिनको हम अज्ञानी लेखे उसको हम क्या कहते हैं अज्ञानी है हमें तो सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म दिखता है जिनको सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म दिखता है उनको किसी चंडाल के घर भोजन के लिए कहिए तो क्या कहेंगे हम चंडाल कछुआ नहीं खाएंगे तो पूछा जाए क्या चंडाल ब्रह्म नहीं है जब सारा जगत ही ब्रह्म का रूप है तो क्या मलमूत्र को भी ब्रह्म मानेंगे मलमूत्र तो मलमूत्र है ये ब्रह्म नहीं है ब्रह्म क्या है आदित्य वर्ण तमस परस्ता तमस से परे है ब्रह्म के स्वरूप में माया का विकार नहीं है ऋषियों ने क्या प्रार्थना की अस्तो मां सद्गमय हे परमात्मा इस झूठे जगत से हमें सत्य की तरफ ले चल तमसो मां ज्योतिर्गमय अज्ञानता के अंधकार से शाश्वत प्रकाश की तरफ ले चल मृतोर माम अमृतम गमय मृत्यु से अमरत्व की तरफ ले चल ऋषियों के कथनों को किसी ने समझा नहीं और उल्टा पुल्टा अर्थ करके ये मान लिया कि सारा जगत ही ब्रह्म का रूप है यदि सारा जगत ब्रह्म का रूप है तो नरक में कौन जाएगा अणुते तुम हस्ती लो सारा जानो। एक बात बताइए किसी से पूछिए आप कहाँ जाओगे मरने के बाद कोई स्वर्ग में इच्छा करेगा कोई वैकुंठ में इच्छा करेगा कोई सतलोक में इच्छा करेगा उनसे पूछिए कि सारी सृष्टि जब परमात्मा की बनाई हुई है सारी सृष्टि के कणकण में ब्रह्म ही है कोई दूसरा नहीं तो नरक भी तो उसी ने बनाया है आप उसमें क्यों नहीं रहना चाहते क्यों वैकुंठ और स्वर्ग की कामना करते हैं क्यों परम धाम जाना चाहते हैं यदि भेद है तो इसका तात्पर्य यह है कि सारा जगत ब्रह्म रूप नहीं है अणु ते तुम हस्ती लो जानो अणु से यानी सबसे सूक्ष्म पदार्थ क्या है अणु से लेकर हाथी तक एक ब्रह्म सब माही बखानो इस सब में एक ही ब्रह्म व्यापक है इच्छा रहित सबन्ते न्यारा परमात्मा इच्छा से रहित है और इन सबसे न्यारा भी है कर्ता कर्म न कछु विचारा और वही कर्ता कर्म न कछु विचारा वही सृष्टि का जगत का कर्ता है कर्म से रहित है साक्षी जो तुम सर्वत्र ब्रह्म कहो श्री जी पूछते हैं कि यदि आप सर्वत्र ब्रह्म का स्वरूप बताते हैं तब तो अज्ञान कछुए नाही तब तो अज्ञान कछुए नाही तो सट शास्त्र हुए काहे को मोहि ऐसी आवतमन माही सारे जगत को आप ब्रह्म रूप बताते हैं तो बताइए ब्रह्म में अज्ञान कहाँ से आ गया तो इतने विश्वविद्यालय बनाने की जरूरत क्या थी गुरुकुल खोलने की जरूरत क्या थी छह शास्त्र किसके लिए बनाए हैं जब सबके अंदर ब्रह्म ही ब्रह्म है सारे ब्रह्म के स्वरूप हैं तो वेदांत दर्शन किसको पढ़ाया जा रहा है वेद किसके लिए आए क्यों वेद पढ़ते हैं क्यों ध्यान करते हैं क्या ब्रह्म ब्रह्म का ध्यान कर रहा है निराकार सब माही विराजे निराकार तो सूक्ष्म होता है वो सबके अंदर विद्यमान होता है इच्छा रहित सदा छब छाजे और परमात्मा इच्छा से रहित है और सर्वत्र व्यापक होता है होत जगत कौन दे ही आप ये बताइए कि ये जो जगत किससे प्रकट होता है मेटो आशंका तुम अब ते ही आचार्य जनों मेरे इस संशय को बताइए ब्रह्म विषय माया कछु नाही ब्रह्म के अंदर तो माया कुछ होती ही नहीं तीन काल रहित नहीं ताही तीनों कालों में परमात्मा में न माया थी न है और न कभी रहेगी लेकिन ये कहते हैं कि जब से ब्रह्म है तब से माया भी है हाँ ये ठीक है ब्रह्म शक्तिमान है माया उसकी शक्ति है लेकिन चेतन ब्रह्म की चेतन शक्ति उसकी स्वरूप है ये जो जड़ माया है ये तो पैदा होती है और लय को प्राप्त हो जाती है पुनः अनाद माया को कही और पुनः आप माया को अनादि भी कहते हैं ब्रह्म सर्वत्र माया विदलही तो बताइए ब्रह्म किस तरह से माया में सर्वत्र व्यापक है ब्रह्म मध्य माया कौन विध आप ये बताइए कि ब्रह्म में माया कैसे है क्या सूर्य के अंदर अंधेरा व्यापक हो सकता है जहाँ सूर्य उगेगा तो अंधेरा नहीं रहेगा वेद में एक मंत्र में कहा गया है सूर्यक्रम ते अनत यजतम अहन द्यौ इव अवश्य हे परमात्मा तुम्हारा स्वरूप सूर्य के समान प्रकाशमान है जबकि जगत का स्वरूप रात्रि के अंधकार के समान है यानी जगत क्या है अंधकार के समान है लेकिन अंधकार और सूर्य में मिलन नहीं हो सकता
इसलिए ब्रह्म का स्वरूप अलग रहेगा, माया का स्वरूप अलग रहेगा। लेकिन आप तो जगत के कणकण में सूर्य को मान रहे हो, अंधेरे के कणकण में जैसे सूर्य को माना जाता है, उसी तरह से जगत के कणकण में आप परमात्मा का स्वरूप मानते हैं। सर्वत्र ब्रह्म की विदला से, आप ये बताइए कि ब्रह्म सर्वत्र किस प्रकार है, भेद कहो समझाए, आप इसका भेद हमें समझाइए। पुनः अनाद माया कही, आप यह बताइए कि आप माया को पुनः अनादि भी कहते हैं। कौन भात है सोए, तो ये बताइए कि ब्रह्म जब से है तब से माया को भी आप अनादि बता रहे हैं, तो ये अनादि माया ब्रह्म के समानांतर कैसे खड़ी हो गई। निराकार साकार के, माया का स्वरूप साकार है या निराकार, यह भी बताइए। कहो भेद जो होए, आप यह स्पष्ट कीजिए, ब्रह्म का स्वरूप बताइए साकार है निराकार, माया का स्वरूप बताइए वो साकार है कि निराकार। साखी भिन्न आत्मा जगत ते, शंकराचार्य ने कहा है कि आत्मा का स्वरूप जगत से भिन्न है। जगत क्या है? त्रिगुणात्मक। आत्मा का स्वरूप क्या है? सत्चित और आनंदमय। यो अतत व्यापनोत स आत्मा, जो चेतन धाम में सर्वत्र व्यापक हो उसको क्या कहते हैं? आत्मा। आत्मा परमात्मा का स्वरूप एक होता है और वो त्रिगुणातीत होता है, जबकि जगत का स्वरूप त्रिगुणात्मक होता है, इसलिए आत्मा और जगत में सर्वथा भिन्नता है। शंकर कही प्रकाश, शंकराचार्य जी ने अपने चिंतामणि, अपने विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में इस तथ्य को दर्शाया है। पुनः आत्मा सब में कही, और पुनः कहा जाता है कि आत्मा सब में व्यापक है। कहो भेद प्रकाश, आप इस भेद को बताइए कि आत्मा का एक अर्थ होता है अतत व्यापनोत्साह आत्मा, यानी परमात्मा की सत्ता इस जगत में व्यापक है। जो सर्वम खल इदम ब्रह्म कहा जाता है वो ब्रह्मधाम के लिए कहा जाता है, वहाँ के कणकण में परमात्मा है, इस जगत के कणकण में परमात्मा नहीं, इस जगत के कणकण में माया का साम्राज्य है। आप सूर्य में जाएंगे तो सूर्य का एक एक कण प्रकाशमय होगा, अंधेरे में जाएंगे तो हर कण में अंधकार होगा, उसी तरह से माया में सत्व रज तम है, हर कण में सत्व रज तम मिले हुए हैं। परम धाम में जाएंगे तो हर कण कण में सतचित और आनंद का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है। वेदांतते वाद बहु, इस प्रकार वेदांतियों से तरह तरह के बहुत अधिक विवाद हुए। भया जो मेला माही, उस हरिद्वार के मेले में वेदांत के आचार्यों से श्री जी का बहुत शास्त्रार्थ हुआ। कहलो कहो बनाए के, लालदास जी कहते हैं कि मैं उसका कितना वर्णन करूं। देखो हते जो आही, जो उस समय प्रत्यक्ष थे उन्होंने उस शास्त्रार्थ का दृश्य देखा, किस तरह से छह दर्शनों के आचार्यों से श्री जी का शास्त्रार्थ हुआ, और श्री जी ने सबके तथ्यों का खंडन करके दर्शाया कि हे आचार्य जनों, तुमको तुमसे मैंने एक प्रश्न पूछा कि महाप्रलय में जीव का घर कहाँ रहता है, परमात्मा का स्वरूप कहाँ रहता है। इस प्रश्न का उत्तर न छह दर्शनों के विद्वानों को आया, न दस नाम संन्यासमत के आचार्यों को आया, न वैष्णव के आचार्यों को आया, फिर ये सारे नतमस्तक हो जाते हैं। कोई कहे सब ब्रह्म है, कोई कहता है कि तो सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, तब तो अध्ययन कछु नाही, तब तो किसी के अंदर अज्ञानता रहनी ही नहीं चाहिए। तो षष्ठ शास्त्र भय काहे को, तो षष्ठ शास्त्र भय काहे को मोहे ऐसी अवत मनमाही, तो ये बताइए छह शास्त्रों को बनाने की आवश्यकता ही क्या है, इतने ग्रंथ इतने पढ़ने पढ़ाने वाले क्यों की आवश्यकता क्या है, सारे ब्रह्म रूप हैं, हर कोई बोल दे अहम ब्रह्मास्मि तब तो जरूरत ही क्या है। ऐसे ही कहा था मंसूर ने अनहलक, अनहलक का अर्थ होता है मैं खुदा हूँ। समाधि अवस्था में जब प्रकृति से परे चेतना जाती है तो अपने को ब्रह्म के समान अनुभव होता है, जैसे लोहे में, लोहे को आग में डाल दीजिए तो लोहा भी अग्नि के समान दहकने लगता है, उस समय लोहा और अग्नि में कोई भेद नहीं रहता। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ क्या होता है? मैं ब्रह्म से संयुक्त हूँ, लेकिन ये मतलब नहीं कि मैं ब्रह्म हूँ। जब आप पहले समाधि से पहले तो ब्रह्म नहीं थे, अब ब्रह्म बन गए हैं, तो क्या पहले भी ब्रह्म थे? जब हम गहनता से इस तत्व पर विचार करते हैं तो यह बोध होता है कि ब्रह्म तो अनादि है, एक है। ए सबे षट दर्शनी, क्या ए सबे षट दर्शनी, हाँ, इस प्रकार छह दर्शनों के आचार्य श्री जी के तर्कों के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। छठ शास्त्र आचार्य जो है, छह दर्शनों के आचार्य अब नतमस्तक हो जाते हैं, तो वो सभी मिलकर के
श्री जी से पूछते हैं, हम आपके प्रश्नों का तो उत्तर नहीं दे सके, आप बताइए आप कौन हैं। अब श्री जी कहते हैं कि हे आचार्य जनों, कही व्यास हरिवंश में, आप मेरा परिचय पूछना चाहते हो तो हरिवंश पुराण में आप इसको देखिए, जिसमें कहा गया है, अभाविनो भविष्यंत मुनियो ये ब्रह्म रूपणा उत्पन्ना ये कलयुगे प्रधान पुरुषाः शास्त्रया कथा योगेन तान सर्वान् पूजयिष्यन्ति मानवा यस्य पूजा प्रभावेण जीव सृष्टि समुत्तर है। कहते हैं कि आपने हरिवंश पुराण में देखिए, जिसमें जन्मेजय राजा से व्यास जी बताते हैं कि हे राजा, कलयुग में ऐसा समय आने वाला है, अभाविनो भविष्यंति, जो ऐसे ब्रह्मनि उत्पन्न होंगे जो कभी हुए नहीं थे, अभाविनो भविष्यंति मुनियो ये ब्रह्म रूपणा उत्पन्ना ये कलयुग के प्रधान पुरुष आश्रय, प्रधान पुरुष के आश्रय में, यानी सच प्रधान पुरुष कौन है, सचित आनंद स्वरूप जो क्षर अक्षर से परे उत्तम पुरुष है उसको कहते हैं प्रधान पुरुष, जो परम धाम में रहने वाले ब्रह्मनि हैं वो अवतरित होंगे, कथा योगेन तान सर्वान् पूजयिष्यन्ति मानवा, उनके तत्व ज्ञान को कथा योग को सुनकर संसार के सभी लोग उनका सम्मान करेंगे और उनके तत्व ज्ञान से जीव सृष्टि समुद्रा जीव सृष्टि का उद्धार होगा। उनकी सबसे बड़ी पहचान क्या होगी, वो पूछते हैं जन्मेजय कि सनकादिक से लेकर आप तक क्या ब्रह्मणि कोई नहीं हुआ, कहा कि नहीं, हम तो ऋषि हैं महर्षि हैं ब्रह्मणि नहीं। कहा कि उनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होगी, उत्तम पुरुष बिन और को देवी देव न ध्याय, एक अक्षरातीत उत्तम पुरुष सच्चिदानंद परब्रह्म के सिवा अन्य किसी की भी भक्ति वे नहीं करते। आप देखेंगे वेद में यजुर्वेद के 40वें अध्याय में लिखा है, ओम क्रतो स्मर क्लेवे ओम क्रतो स्मर, हे जीव तू ओम का स्मरण कर, ओम किसको कहते हैं, प्रणव तस्य वाचका, ओम इति तत् अक्षरम सर्वम तस् उपव्याख्यानम, मंडूक परिषद में कहा गया है कि ओम अक्षर ब्रह्म का वाचक नाम है, उपनिषदों में कहा गया है अप्राणो अमनो शुभ्रो ही अक्षरात परता पर, जो अक्षर से भी परे है वो अक्षरातीत है, दिव्यो ही अमूर्ता पुरुष बाह्य अभ्यंतर ही अज अप्राणो अमनो शुभ्रो ही अक्षरात परता पर। अक्षर की बात पहले की गई है मांडूक परिषद ने कि ओम को क्या कहते हैं, अक्षर ब्रह्म, कठोपनिषद में कहा गया है ओम इतेतत, वह ओम ही है, सर्वे वेदा यद पदम आमंत तपांस सर्वाणि च यद वदंत यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरंत तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। नचिकेता से यमाचार्य कह रहे हैं कि सभी वेद जिस ओम पद का वर्णन करते हैं, जिसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है और जिसके लिए सभी ऋषि मुनि योगी यति ध्यान करते हैं वह ओम पद है, यानी अक्षर की स्तुति की गई है, लेकिन जो ब्रह्मणि अप्रकट होने वाले हैं अक्षर से भी परे उस अक्षरातीत के चिदघन स्वरूप के आनंद में मग्न रहेंगे, उनका ज्ञान सुनाएंगे, वो ब्रह्मणि प्रकट होने वाले हैं। जब ये परिचय दिया तो सभी आचार्य नतमस्तक हो गए। श्री जी से वो सभी मिल करके कहते हैं कि श्री जी आपने हमसे एक एक प्रश्न किया कि आपकी शिखा क्या है, सूत्र क्या है, साला क्या है, धाम क्या है, नदी क्या है, पुरी क्या है, तीर्थ क्या है, देवी क्या है, देव क्या है, इष्ट क्या है, हम भी पूछेंगे और आप भी बिना क्रोधित हुए हमारे एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप सूत्र किसको मानते हैं, शिखा किसको मानते हैं, साला क्या है, धाम क्या है, आपका इष्ट क्या है, इन प्रश्नों का जो आपने हमसे प्रश्न किया था आप भी अपनी पद्धति बताइए। अब समय भाव के कारण आज नहीं हो पाएगा, कल ये सुनिए, कल ये विषय सुनने लायक है, जो इसको समझ जाएगा वो वास्तविक तत्व ज्ञान को समझ जाएगा, हम क्या करें, क्या करने के लिए आए हैं संसार में और सारा हिंदू समाज कहाँ भटक रहा है। अभी आपने देखा कि 6 दर्शनों के आचार्य, 10 नाम संन्यास मत के आचार्य श्री प्राणनाथ जी के समक्ष नतमस्तक हो जाते हैं। कल की जो चर्चा है बहुत महत्वपूर्ण है, अपने अड़ोस पड़ोस के संगे समितियों को बुलाकर लाइएगा, जिनसे उनसे पता चले कि निजानंद का
तात्विक दर्शन क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, क्या विशेषता है इसमें कहने के लिए, तो किसी को समझाइए तो क्या कहते हैं, परमात्मा तो एक ही है, चाहे राम कहो, रहीम कहो, कृष्ण कहो, शंकर कहो, सब लोग आंख मूंद कर कह देते हैं। यदि सभी एक है तो झगड़े क्यों करते हैं, फिर तो धर्मों में झगड़ा ही नहीं होना चाहिए। बताया जाएगा कि वास्तव में परमात्मा कहते किसको हैं, निजानंद कहने के लिए ये संप्रदाय है, वास्तव में संप्रदाय नहीं है, ये तो गति संसार की जो खेचा खेच करत, अपन तो साथी धाम के है हम में नूर मत। नूर मत का तात्पर्य क्या है, जागृत बुद्धि का ज्ञान है। निजानंद यानी परब्रह्म के आनंद स्वरूप श्यामा जी के द्वारा लाए हुआ तारतम ज्ञान, जिससे हमारी आत्मा का तारतम्य उस सच्चिदानंद परब्रह्म से जुड़ जाता है, जिससे हमें सरलता से बोध हो जाता है कि कहाँ है परमात्मा, कैसा है परमात्मा, हम कौन हैं, आए कहाँ से हैं, शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात हमें जाना कहाँ है। ये संप्रदाय की जिसने पद्धति समझ लिया, कल से उसका प्रारंभ हो गया कि हम सतगुरु किसको मानते हैं, सूत्र किसको मानते हैं, एक एक बात का स्पष्टीकरण, तो पता चलेगा कि हाँ ये जो सरसों में ज्ञानपीठ स्थापित किया गया है, और इसके आसपास आप देखते हैं अभी कांवड़ मेला का कार्यक्रम था, लाखों लोग जाकर के जल लाए, शंकर जी जिसको शिवलिंग कहते हैं उसको शंकर जी मानते हैं, उस पर जल चढ़ाए। किसी को पता नहीं कि शिव का अर्थ क्या होता है, जितना परिश्रम इसमें किए आंखें बंद करके उस कल्याणकारी परमात्मा का ध्यान करते तो जीव को बहुत कुछ प्राप्त होता है। सारे संसार में कैसा अंधकार मिटा हुआ फैला हुआ है, और उस अंधकार को मिटाने के लिए ज्ञान का प्रकाश चाहिए। तारतम ज्ञान का प्रकाश जब चारों ओर फैलेगा तो सर्वत्र एक परमात्मा की भक्ति होगी, जैसे पतिव्रता का एक ही पति होता है, कई नहीं होते, उसी तरह से आत्मा का प्रियतम एक होता है, और वो है सच्चिदानंद परमात्मा। हिंदू समाज का सबसे बड़ा अपराध क्या रहा कि उसने एक परमात्मा की भक्ति छोड़कर अनेक देवी देवताओं की कल्पना कर ली और सबकी भक्ति करनी शुरू कर दी। आप देखेंगे पतिव्रता के चरण छुए जाते हैं, वेश्या की तरफ कोई देखता नहीं, इसलिए क्या कहा है, पतिव्रता पड़े से भी न था ये वेश्या जेम, एक मेली ने अनेक कीजे तेणी था धनी वटके। एक मुसलमान को देखिए, कुछ भी होगा अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मानेगा, हिंदू का कोई ईमान धर्म नहीं, कभी आज किसी का भक्ति करेगा, कल को किसी और की करेगा, परसों किसी और की करेगा, उसको पता ही नहीं है कि पूजा और भक्ति में क्या अंतर है। पूजा का अर्थ सत्कार, आप महापुरुषों का सम्मान कीजिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम सृष्टि के सर्वोपरि महापुरुष हैं, उनका सम्मान कीजिए, योगीराज शिव सृष्टि के महानतम योगी हैं, उनका सम्मान कीजिए, हनुमान जी का सम्मान कीजिए, इनके गुणों की पूजा कीजिए, भक्ति नहीं। भक्ति किसकी, केवल परमात्मा की, जो क्षर अक्षर से परे उत्तम पुरुष है, अक्षरातीत है, जिसके लिए गीता कहती है यस्मात् क्षरात् अतीतो हम अक्षरात् अपि च उत्तमा वेदे च लोकेस्मिन् प्रार्थितः पुरुषोत्तमा। जो क्षर और अक्षर से परे उत्तम पुरुष है, केवल एकमात्र उसी की भक्ति करनी चाहिए। गीता तो दुनिया बहुत पढ़ती है, वेद भी सभी पढ़ते हैं, लेकिन कोई समझ नहीं पाता। आज सारा हिंदू समाज आप देखते हैं, और किसी से संतुष्टि नहीं होती तो मजारों पर ही सिर को पटकने लगते हैं, पता नहीं उन जिस मजार पर सिर को पटक रहे हैं वो व्यक्ति तो जीवन भर मांस खाता रहा होगा। अपने हृदय मंदिर में परमात्मा को नहीं खोजते, मजारों पर मन्नत मांगते हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। पत्थरों के देवता से मांगने से अच्छा है अपने हृदय में जो आत्मा के अंदर विराजमान परमात्मा है उससे मांगिए। लेकिन हिंदू समाज को कौन समझाए, उसकी आस्था नदियों पर है, पत्थरों पर है, परमात्मा पर नहीं। कल आप पद्धति सुनिए, आपको बोध होगा कि वास्तव में परमात्मा क्या है और समाज से क्या भूले हो रही है। आप छुपाई तो रहे, श्रुति स्मृति की साख दे, श्रुति स्मृति की साख दे, कहो तुम्हें समझाए, कहो तुम्हें समझाए, ग्राहक हो चित दे सुनो, ग्राहक हो चित दे सुनो, तो कलयुग भ्रम जाए, तो कलयुग भ्रम जाए, तो कलयुग भ्रम जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।